सो ही गाइस, आई एम एलेक्स एंड वेलकम बैक टू पोके 555। तो यार आज हम पोकेमोन के एक नए वाले गेम पोकेमोन वायलेट को 100 आवर्स के लिए प्ले करने वाले हैं। एंड इसी बीच हमें कुछ मिशंस को भी कंप्लीट करने पड़ेंगे, जैसे कि नंबर 1 जेन 9 टीम ओनली, मतलब हम सिर्फ जेन 9 के पोकेमोन को ही अपने टीम में ऐड कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आई नो। एंड नंबर 2 पे आता है कैच ए शाइनी पोकेमोन इन दिस गेम, मतलब इस गेम के अंदर हमें एक शाइनी पोकेमोन को कैच करना पड़ेगा। एंड तुम जो नंबर 3, 4 एंड 5 देख रहे हो ना, तो वो मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा कि क्या क्या चीज है। तो चलो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें युवा एकेडमी के अंदर एडमिशन मिलता है, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे सर्च धर्ज के बिल्कुल से रेडी हो जाते हैं, बिकॉज भाई नीचे आ चुका था युवा एकेडमी का डायरेक्टर हमारा स्टार्टर पोकेमोन लेके। एंड ये स्टार्टर पोकेमोन देखने में इतने ज़्यादा ऑसम थे ना भाई साहब। एंड ये पोकेमोन का नाम है क्वेक्सली, जो कि भाई साहब काफ़ी ज़्यादा कूल था। एंड ये जो पोकेमोन तुम अभी देख रहे हो, ये स्प्रैगीटो, जो कि ग्रास टाइप स्टार्टर है, बट भाई मैं यहाँ पर फायर टाइप स्टार्टर को अपने लिए टेक करता हूँ, जिसका नाम है फ्यूकोको, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल पोकेमोन था। एंड हमारी राइवल निमोना यहाँ पर टेक करते हैं की टोको, जो कि भाई साहब सही था। एंड फिर हम दोनों में बैटल भी हो जाती है, एंड फिर मैं जीतता हूँ। एंड मेरे को पोकेडेक्स ऐप देती है, एंड फिर निमोना मेरे को कुछ पोकेबॉल्स भी देती है पोकेमोन कैप्चर के लिए, जिसके थ्रू मैं इस पिक को कैप्चर करता हूँ। एंड उसके बाद हो जा भाई कैप्चर। हाँ, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर ग्राफ्ट ऑफ ग्रास कुछ बैटल करते हैं, मतलब यार तुम ग्रास के बाहर भी बैटल कर सकते हो, एंड उनसे तुम्हें कुछ पोकेमोन मटेरियल्स मिलेंगे। एंड आफ्टर डैट मैं यहाँ पर आ जाता हूँ लाइट हाउस के पास, जहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ फील होते हैं, तब मैं ढूंढता रहता हूँ आसपास। एंड मुझे यहाँ पर दिखता है जख्मी मिराई डॉन, जो कि लेजेंडरी पोकेमोन था, जिसके ऊपर एक कुत्ते भोंक रहे थे। एंड आफ्टर अपना मिराई डॉन यहाँ से उठता है, एंड एक ही हाउल में सबको फिनिश आउट कर देता है, मतलब हाँ डरा देता है। एंड आफ्टर डैट भाई इतना बड़ा भूकंप आता है ना इसके एक ही भाई चिल्लाने से कि हम नीचे गिर जाते हैं। एंड फिर मैं इस पोकेमोन के करीब आता हूँ, एंड इसको अपना सैंडविच खिला देता हूँ, जो कि मॉम ने मेरे को दिया था। एंड फाइनली ये भाई साहब पोकेमोन बेच रहा, मेरा सैंडविच खा भी लेता है। एंड जो भी हो भाई साहब, उसके बाद ये पोकेमोन उठ खड़ा होता है। एंड ये कम नहीं था कि अपने बैटल फॉर्म में भी इवॉल्व हो रहा था, जो कि भाई साहब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। एंड ये लुकिंग में तो भाई जहर था बिल्कुल। तो तुम देख सकते हो भाई साहब ये पोकेमोन कितना ज़्यादा कूल है, एंड मुझे ये पोकेमोन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मुझे चाहिए भाई ये। बट फिर ये पोकेमोन मुझे अपने पीछे आने के लिए बोलता है, मैं इसके पीछे चला भी आता हूँ, जहाँ पर कुछ एक गड़बड़ हो जाती है, जहाँ पर मुझे एक होम डाउन मिलता है जो कि मेरा पीछा कर रहा था। एंड फिर ये मुझसे बैटल शुरू कर देता है, बट मेरा हीरो आके मेरे को ऐसे बचा लेता है। एंड फिर होम डाउन अपने पूरे फैमिली को बुलाता है, जिसके बाद भाई साहब अपन प्रॉब्लम में आ जाते हैं। बट ये पोकेमोन फिर से हमें बचाता है, एंड ऊपर के साइड ले जाता है। और भाई साहब इसका ये कारनामा बहुत मस्त था, ताली बजाना तो बनता ही है। एंड फिर कुछ देर बाद ही फिर से गिर जाता है, बिकॉज इसकी पावर खत्म हो चुकी थी। बट जो भी हो, हमने डिसाइड करके इसके साथ हम प्रोफेसर के लैब में जाएंगे, पर यहाँ पर प्रोफेसर अनेबल थे, उनका बेटा यहाँ से अरवन था, जो कि भाई साहब मिराइडन के बारे में काफ़ी कुछ जानता था। एंड फिर भाई साहब ये हमसे बैटल भी करना चाहता था, तो कोई बात नहीं भाई साहब, हम दोनों में बैटल हो जाती है कौन स्ट्रॉन्गर है जानने के लिए। एंड फिर मैं इसे कुत्ते की मौत मारता हूँ भाई साहब। एंड आफ्टर डैट हमें ये मिराइडन का पोकेबॉल देता है, एंड मैं अपने मिराइडन को अपने पोकेबॉल के अंदर ले लेता हूँ। एंड फिर मैं इधर से उधर घूम ही रहा था कि अपन को एक क्यूट सा पोकेमोन दिखा भाई साहब। एंड ये इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन था, तो इसको कैच करना तो बनता ही था ना, तो हमने पोकेबॉल थ्रो किया, एंड इस क्यूट से पोकेमोन को अपना नाम कर लिया। एंड आफ्टर डेट हम आ गए युवा एकेडमी के गेट पर, जहाँ पर मेरे को अपना राइवल वापस से मिल गई निमोना, एंड जिसको मैं इसे वापस से बैटल ही करना था। तो भाई साहब इसके साथ बैटल शुरू हो गई, एंड मैंने इसको गंदी तरीके से हराया, एंड फिर युवा एकेडमी में चला गया, जहाँ पर मेरे को अपने लिए कैप लेना था। तो मैं घुस गया यहाँ पर, एंड फिर मैंने 2000 रुपये लगा कर एक कैब बाई कर लिया। एंड फिर पता चलता है कि आप एक क्रिमिनल टीम है, टीम रॉकेट की तरह, जो कि एक लड़की को परेशान कर रही थी, पैनी नाम की लड़की को। तो हम लोग यहाँ पर आ गए उसको बचाने, एंड भाई साहब ये टीम स्टार हमसे बैटल करनी शुरू कर दी। भाई देवी जो भी हो, हमने इनको गंदी तरीके से हराया। एंड फिर यहाँ से एंट्री होती है निमोना की, जो कि भाई साहब अपने लिए एक सुपर रेयर आइटम लाई थी, जिसका नाम है टेरा ऑर्ब। एंड भाई साहब इससे तुम अपने पोकेमोन को टेरा फॉर्म में इवॉल्व कर सकते हो। तो फाइनली उसके बाद ये मुझे देती है, एंड मैं अपने पोकेमोन को यहाँ से टेरा फॉर्म में इवॉल्व कर देता हूँ, एंड जो कि लुकिंग में भाई साहब बिल्कुल जहर था। एंड फिर भाई साहब इसका पावर भाई कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, एक ही शॉट में फिनिश आउट कर देता है। फिर मैं युवा एकेडमी के अंदर जाता हूँ, जहाँ से मेरे को निमोना के आते सारे जिम लीडर का लोकेशन मिलता है। एंड या तुम इससे कहीं भी जिम में, फर्स्ट जिम नहीं है, सेकंड जिम नहीं है, तुम किसी भी जिम में चैलेंज कर सकते हो। एंड फिर हमको विक्ट्री रोड का मिशन भी यहाँ से मिल जाता है। एंड आफ्टर डेट मैं जाता हूँ अरवन के पास, जहाँ से अरवन मेरे को यहाँ से देता है कुछ टाइटन्स का लोकेशन, जो कि कुछ बड़े बड़े पोकेमोन्स होते हैं, जिनको हमें हराने में अरवन की मदद करनी है। हम भी हाँ बोल देते हैं, एंड उसके बाद हमको मिलता है
पाथ ऑफ लेजेंड्स का यहाँ से मिशन, जो कि भाई साहब और एक इंटरेस्टिंग मिशन था। एंड फिर मैं यहाँ से वहाँ भाग रहा था कि पता चलता है कि किसी ने मेरा फ़ोन हैक कर दिया है, मतलब हाँ उसका नाम क्रॉसम किया था। एंड फिर उसने बोला कि उसको टीम स्टार के हर एक बॉस को हराना है एंड उसमें इसको मेरी मदद की ज़रूरत है। तो भाई हमने भी हाँ कह दिया एंड फिर उसने सारे टीम स्टार के बॉसेस का यहाँ से मुझे लोकेशन भेज दिया। एंड आफ्टर इट हमें यहाँ से और एक मिशन मिलती है जिसका नाम है स्टार फॉल स्ट्रीट, जो कि भाई साहब काफ़ी अच्छी बात थी बिकॉज हमें कुछ क्रिमिनल्स टीम को भी यहाँ पर ख़त्म करना था। बट उसके बाद मैं प्रोफेसर के पास आया, प्रोफेसर के मतलब हाँ प्रोफेसर बात की टीवी पर, जहाँ पर पता चलता है कि भाई ये द ग्रेट क्रेट ऑफ पैलडे के प्रोफेसर है जीरो एरिया के, जो कि भाई साहब काफ़ी ऑसम है। एंड फिर ये मेरे को बोलते हैं कि मिराइडन अभी काफ़ी कमज़ोर है, तुम उससे बैटल मत करवाओ, तुम उससे बस राइड करो, तुम उसके उसको ख्याल रखो जैसे इतना ही। तो फिर भाई साहब क्या था, अपना मॉर्निंग असेंबली शुरू होता है एंड यहाँ पर हमारे जो डायरेक्टर साहब होते हैं यहाँ से बोलते हैं कि भाई तुम्हें स्ट्रेचर हंट पर जाना है, तुम ओपन वर्ल्ड कहीं पर भी घूम सकते हो। एंड फिर हम खुश हो जाते हैं एंड फिर हम अपने मिराइडन के पीठ में उड़ जाते हैं एंड हम निकल पड़ते हैं अपने सफ़र पर, जो कि भाई साहब काफ़ी मस्त था ये मिराइडन, मतलब हाँ तुम इसके पीठ में सफर करोगे ना तो हमें काफ़ी मज़ा आएगा। एंड इसके लिए हमें एक गोल भी डिसाइड करती है कि हम पहले सबसे पहले जाएंगे बग जिम पर, ठीक है। बग जिम काफ़ी ज़्यादा वीक था हमारे लिए स्टार्टिंग में। एंड फिर हमें एक चमकता हुआ क्रिस्टल दिखता है, जो कि हमें पता चलता है टेरा राइड बैटल है ये। एंड इधर में हम फर्स्ट अपने टेरा पोकेमॉन को देखते हैं, जो कि दिखते में काफ़ी ओपी था, ये ग्रास टाइप का पोकेमॉन बट ये फायर टाइप का होके पड़ा है, ठीक है। और भाई साहब ये पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, तो भाई साहब जैसे तैसे मैंने इसको यहाँ पर हराया। एंड उसके बाद भाई यहाँ पर जो भाई इसके कांच टूटने की जो इफेक्ट है ना, बिल्कुल दिल सुकून से भर देता है। एंड फिर मैंने अपने पोकेबॉल से इसे कैच करने की ट्राई की, बट यहाँ पर एक चीज़ मेरे को पता चली कि चाहे तुम्हारे सामने लेजेंडरी पोकेमॉन क्यों ना, बस तुम एक सिंपल पोकेबॉल के थ्रो से उस पोकेमॉन को बिना किसी दिक्कत के कैच कर लोगे, वो एक बार हिलेगा भी नहीं भाई साहब निकलने के लिए, डायरेक्टली वो कैच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरा जख्मी हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग ऑफ दिस गेम। एंड फिर इसके से मिली हुई रिवॉर्ड तो भाई सब और भी ज़्यादा ऑसम होती है। एंड आफ्टर दैट मुझे कुछ पोकेमॉन में मिलता है जिनको मैं यहाँ से कैच कर लेता हूँ अपने पोकेबॉल को फेंक के। एंड फिर भाई साहब मैं कुछ ट्रेनर्स को हराता हूँ एंड जिसके बाद मेरा पोकेमॉन फाइनली फ्यूको को यहाँ से अपने सेकंड स्टेज में जाने वाला था। तो भाई साहब उसका सेकंड स्टेज देखने में काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा था। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट सिटी में आ गए जहाँ पर मेरे को पोकेमॉन जिम मिल चुका था। एंड या दिस इज़ माई फर्स्ट पोकेमॉन जिम जहाँ पर मैंने अपने नाम को रजिस्टर किया। एंड इसके बाद मुझे पर कुछ जिम टेस्ट को ही पास करना पड़ेगा, ये सब मुझे कुछ पता चला, तो मैं आ गया जिम टेस्ट को पास करने। इस जिम टेस्ट बस इतना ही है कि इस बॉल को तुम्हें उस बास्केट में घुसाना है, तो यहाँ से जिम टेस्ट यहाँ से शुरू हो जाती है। एंड फिर मैं बॉल को बास्केट में घुसाने के लिए ले आता हूँ एंड फाइनली मैं अपने इस बॉल को बास्केट के अंदर घुसेर देता हूँ। एंड आफ्टर दैट हमारा जिम टेस्ट यहाँ से पास हो जाता है। एंड उसके बाद हमें मिलता है यहाँ से जिम लीडर, जो कि पता नहीं एक बग टाइप तितली के साथ खेल रही थी, बट जो भी हो भाई साहब जिम लीडर हमारे साथ यहाँ से बैटल शुरू कर देती है। एंड इनका फर्स्ट पोकेमॉन यहाँ से एक पिद्दू सा न्यू जैन का पोकेमॉन होता है। तो भाई साहब न्यू जैन का पोकेमॉन को नाम तो मेरे को पता नहीं, बट जो भी हो मैं यहाँ से अपने पोकेमॉन को क्रिस्टलाइज करने के लिए रेडी हो जाता हूँ, बिकॉज भाई ये तो भाई इसके ऊपर सुपर इफेक्टिव भी था ना बग टाइप के ऊपर अपने फायर टाइप, तो इसको करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हमने फायर टाइप पर किया। एंड फिर भाई साहब ने एक ही अटैक के अंदर फर्स्ट पोकेमॉन को फिनिश आउट कर दिया। अपना सेकंड पोकेमॉन के साथ भी इसका सेम हालत हुआ। एंड फिर आया इसका थर्ड पोकेमॉन, जो कि इसका मेन पोकेमॉन था, ये था टेडी ऐसा। एंड टेडी ऐसा बग टाइप नहीं है, बट जब ही इसने यहाँ से अपना टेरा और पे यूज़ किया ना भाई साहब, टेडी ऐसा बग टाइप में इवॉल्व हो गया एंड दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। फिर भाई साहब मुझे आया गुस्सा, क्या बोलते हैं अपने पोकेमॉन को, आएगा ही ना मुझे गुस्सा। एंड एक शॉट के अंदर उसे फिनिश आउट कर दिया। एंड फिर हमें जिम बैज भी मिल गया, इसके साथ क्यूट सा फोटो भी। एंड अभी हमको हमारा नेक्स्ट जिम डिसाइड करना था, तो मैंने सोचा अभी हम ग्रास टाइप जिम में जाएंगे बिकॉज ये भी हमें एडवांटेज ही देगा, ठीक है। तो फिर हम निकल पड़े ग्रास टाइप जिम के लिए, जहाँ पर मैंने सोचा कि मुझे कुछ क्रिस्टल राइड करने चाहिए, मतलब हाँ रेड करने चाहिए। एंड हमने कुछ क्रिस्टल को यहाँ से रेड किया जहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी पोकेमॉन मिल रहे थे। तो सबको हराने के बाद उसके ऑसम रिवॉर्ड लेने के बाद मैं यहाँ से निकल ही रहा था कि मेरे को एक पत्थर में दिखा एंड वो पत्थर एक पोकेमॉन में बदल गया, मतलब हाँ एक पोकेमॉन वाला पत्थर या पत्थर वाला पोकेमॉन, हाँ जो भी है। तो मैंने इसको कैच कर लिया बिकॉज इसका फाइनल स्टेज बहुत ही पावरफुल था। एंड उसके बाद भाई साहब मुझे यहाँ पर एक केकड़ा मिला जो कि रॉक टाइप का था, भाई वाटर टाइप होना चाहिए था, बट जो भी थोड़ी देर आगे आने के बाद दिन हो जाता है। यहाँ पर मेरे को एक टाइटन दिखता है, फर्स्ट टाइटन। एंड ये टाइटन मेरे को देखते पता शर्मा के भाग क्यों रहा था। फिर भाई साहब मैं इसका पीछा करने का डिसाइड करता हूँ, पीछा करके इसके पास जब भी आता हूँ ना भाई, ये टाइटन मेरे को आग दिखाता है साला। एंड जो भी हो उसके बाद ये मेरे को ऊपर कूदता है, मेरे ऊपर नहीं वैसे साइड में कूदता है। एंड इसकी बैटल में से शुरू हो जाती है, भाई देखिए इसको तो हराना अपना धर्म था, बट ये फर्स्ट टाइटन है तो इतना स्ट्रॉन्गर ना होने का भी चांसेस है। फिर अपने पोकेमॉन को मैं यहाँ से करता हूँ शाइनी एंड एक शॉट करता हूँ, दूसरे शॉट में से मारने वाला होता है कि ये लौंडा भाई साहब यहाँ से भाग जाता है। एंड भागना इसका चांस नहीं होता, ये आप आते पत्थर तोड़ता है एंड फिर ये लौंडा इधर से पता नहीं कुछ निकालता है प्लांट एंड खाना शुरू कर देता है। एंड ये सब देख के अपना दोस्त यहाँ से अर्वन आता है, जिसको हमें हेल्प करना था टाइटन को हंट करने में।
एंड फिर भाई साहब इस पोकेमोन हमारे ऊपर अटैक कर देता है वापस से। बट इस बार मेरे पास अपना दोस्त अर्वन था जो कि भाई साहब बहुत पावरफुल था, तो यहाँ से क्या होता है इसके साथ हमें बैटल शुरू हो जाती है। एंड इस बार मैं वापस से अपने पोकेमोन को शाइन करता हूँ, बट बट डैट इज़ अ प्रॉब्लम, मैं इसको भाई साहब अपने अटैक से ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाता हूँ फिलहाल। बट जो भी अर्वन का पोकेमोन इसके ऊपर सुपर इफेक्टिव था तो इसने इसको फिनिश आउट कर दिया। एंड आफ्टर डैट टाइटन फाइनली हमारा फर्स्ट टाइटन फिनिश आउट यहाँ से हो गया था। एंड फिर इस टाइटन के बनाए हुए गुफा में हम चले जाते हैं जो उसने हाथ से तोड़ा था, एंड यहाँ पर हमको एक प्लांट मिलता है जिसको हम सिक्योर फाइनली कर लेते हैं। एंड यहाँ पर हमको मिल जाता है फर्स्ट बैच टाइटन को डिफीट करने का जो कि स्टोनी टाइटन था। एंड उसके बाद अपना दोस्त हमारे लिए कुछ सैंडविच बनाता है, लेकिन मिराइडन इसे खाने की जिद करता है तो मैं इसे दे ही देता हूँ। एंड आफ्टर दैट मिराइडन की एक एंशिएंट पावर खुल जाती है जिसके थ्रू अभी मैं डैश पावर कर सकता हूँ, मतलब हाँ फास्टली दौड़ सकता हूँ, ठीक है, जो कि अपने लिए बहुत काम का चीज़ था। एंड फिर मैंने और एक टेरा क्रिस्टल की ओर आया जहाँ पर मुझे एक न्यू पोकेमोन दिखा न्यू जेन का, तो मैंने सोचा भाई इसको रेड करते हैं, इसको फाइनली हमने यहाँ से कैच भी कर लिया, बट या इसको मैंने टीम में ऐड नहीं की, ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से कैच किया। एंड फिर मेरे को मिट्टू पोकेमोन दिखा जिसको भी मैंने यहाँ से पोकेबॉल थ्रो करके कैच करने का डिसाइड कर लिया। एंड आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट जिम में आ गए, मतलब हाँ नेक्स्ट जिम के लिए नेक्स्ट सिटी में आ गए जहाँ पर मेरे को नेक्स्ट जिम भी मिल गया था। एंड फिर यहाँ पर मैंने अपना नाम रजिस्टर किया। एंड यहाँ का भाई साहब जिम टेस्ट काफ़ी डिफिकल्ट था, मतलब तुम्हें 10 यहाँ के सनफ्लोरा को ढूंढना है। पहले तो मेरे डिफिकल्ट लगा था, बट एंड होते होते हमने काफ़ी ईजिली सारे सनफ्लोरा को यहाँ से ढूंढने में सक्सेसफुल हो गए थे। एंड जैसे तैसे मैंने इस जिम टेस्ट को पास कर लिया। एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ से जिम लीडर मिला जो कि भाई थोड़ा बुड्ढा जिम लीडर था। एंड यार जो भी बोलो यार, ये जिम लीडर इतना खास नहीं है, बट जो भी उसका पहला पोकेमोन निकला ये छुटकू सा पोकेमोन। एंड हमने अपने पोकेमोन को सनशाइन मतलब हाँ टेराराइज कर दिया। एंड उसके बाद एक ही शॉट में इसका कांड हो गया। एंड बाय द वे उसके बाद जिम लीडर का मेन पोकेमोन निकलता है। एंड फिर हमें पता चलता है कि पूरे गेम का सबसे वीकेस्ट जिम है, ठीक है, ये सबसे कमज़ोर जिम लीडर है। एंड उसका सेकंड पोकेमोन वो उसको टेराराइज फॉर्म में कर देता है। एंड फाइनली ये पोकेमोन भी ग्रास टाइप हो जाता है। एंड उसके बाद मैं इसको एक शॉट में वापस से निपटा देता हूँ, नहीं दो शॉट में, सॉरी। एंड फिर उसके बाद फाइनली हमको इसका जिम बैज मिलता है, इसके साथ एक फोटो भी, जो कि यार फोटो भी यार बंदा आसान लग रहा है, जो भी हो। और फिर मैं वापस अपने सफर पे आगे निकल गया जहाँ पर मेरे को भाई साहब और एक खतरनाक पोकेमोन मिला जिसको मैंने कैच करके वापस से बॉक्स में रख दिया। एंड फिर मेरे को एक बड़ा सा पिक दिखा था, मैंने सोचा अपने टीम के पिक के साथ इसको रिप्लेस कर लूँगा। एंड उसके बाद भाई साहब मेरे को यहाँ पर स्टार वेस दिखा, ठीक है, स्टार वेस दिखा, तो यहाँ पर मुझे गार्ड दिखे जिनको मुझे हराना पड़ता था, तो चलो कोई बात नहीं, इस गार्ड को मैंने हराया। एंड फिर मेरे को अपना एक क्लिव नाम का बंदा मिला जो कि भाई साहब पता नहीं यार इसको क्या कर रहा था, हर बार ये आ जाता है जब मैं टीम स्टार के बेस को हराता हूँ, बट इसके छोटा सा पोकेमोन इसके अंदर घुस जाता है। एंड मैं सोचता हूँ इसको बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा फिलहाल। एंड उसके बाद यहाँ पर टास्क साथ में 30 पोकेमोन को डिफीट करना पड़ेगा आउट ऑफ ग्रास। एंड फिर भाई साहब ये सब जब कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर तुम उनके मतलब हाँ जो लीडर है उसे तुम फाइट कर सकते हो, तो उनका लीडर यहाँ से आ जाता है। एंड जो लड़की भाई साहब काफ़ी लुकिंग में तो आसम थी भाई, ये लंडिया। एंड फिर इसका फर्स्ट पोकेमोन आता है टोरकोल, जो कि भाई एक एक शॉट पर मेरे एक एक पोकेमोन को डिफीट कर रही थी, बट कोई बात नहीं, अपने भाई इस पिग ने अंदर घुसा एंड इसको डिग अटैक से फाइनली फिनिश आउट किया, जो कि बहुत सही बात है। एंड आफ्टर दैट भाई इसका सेकंड पोकेमोन तो इसका गाड़ी ही होता है, ये गाड़ी पोकेमोन कौन निकालता है भाई, बट जो भी हो भाई इसका गाड़ी का डैमेज बहुत मस्त है। एंड अपना डैमेज तो तुम देखो यहाँ पर, मैं अटैक अगर करता हूँ ना भाई साहब, एंड पुद्दी सा भाई छोटा सा डैमेज, बट जो भी हो मैंने सुपर पोशन का सही इस्तेमाल करते करते इस बैटल को फाइनली अपने साइड बदल लिया एंड जीत गया हम इस बैटल को। एंड फिर इसके साथ क्यूट सा फोटो भी। एंड फाइनली फर्स्ट टीम स्टार मेंबर डिफीटेड। एंड फिर मैं यहाँ से सोचा कुछ और टेरा क्रिस्टल हम यहाँ पर राइड करेंगे, हाँ सॉरी रेड करेंगे। एंड या यहाँ पर मुझे एक अनोखा पोकेमोन दिखा, पता नहीं कौन सा पोकेमोन था, बट क्या ये मेरी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा था, तो मैंने इसको यहाँ पर अप्रोच कर दिया। एंड फिर मैंने इसको हराया एंड अपने पोकेबॉल के थ्रू इसे कैच भी कर लिया। एंड ये पोकेमोन इतना फेवरेट था ना मेरा, मैंने इसको अपने टीम में भी ऐड कर लिया इस कुत्ते को हटा के, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मुझे और एक पोकेमोन दिखा यहाँ से जो कि भाई जब एक चिड़िया था एंड जो कि फ्लाइंग इलेक्ट्रिक टाइप का था, इसकी टाइप काफ़ी अच्छी थी, तो या मैंने इसको भी अपने टीम में ऐड कर लिया। एंड फिर मैं बीच के पास जाने लगा जहाँ पर मेरे को एक टिगलेट दिखा न्यू जेन का, तो मैंने इसे कैच कर लिया जस्ट एंड रख दिया बॉक्स में। एंड फिर हम आ गए नेक्स्ट सिटी में जहाँ पर आने के बाद भाई हमें निमोना मिलती है एंड जो लोंडिया मुझसे बैटल करना शुरू करती है। अफकोर्स ये मैंने इसे वन शॉट लिए हरा दिया। एंड आफ्टर दैट इसका पोकेमोन को जो टूटता है ना भाई, सेटिस्फेक्शन बहुत ओपी मिलता है। एंड आफ्टर दैट मेरा ये प्यारा सा पोकेमोन इवॉल्व हो रहा था अपने सेकंड स्टेज में। एंड फिर ऐसे करते रहते हम जिम टेस्ट भी पास कर जाते हैं। जिम टेस्ट बहुत बेकार था इसे मैंने तुम्हें नहीं दिखाया। एंड यहाँ के जिम लीडर भाई साहब पता नहीं यार कौन सा इसमें भूत चला हुआ है, इसका शक्ल तो देखो तुम, भूतिया शक्ल है भाई, बट इसका फर्स्ट पोकेमोन यही निकलता है। एंड या मैं अपना फर्स्ट पोकेमोन रॉक वाला निकालता हूँ। एंड फिर एक अटैक से मैं इसकी बैंड बचाने की सोचता हूँ। इसका अटैक ज़्यादा काम का नहीं था, बट या मेरा अटैक बहुत ही पावरफुल था। एंड आई डोंट नो ये जिम लीडर यहाँ पर नाच की रही है हारने के बाद भी, मतलब हाँ हार रही है फिर भी नाच रही है।
एंड फिर मैं अपने पोकन को टैलाइज करता हूँ एंड ये सबसे मेरी बड़ी गलती थी, मैं इसको पोकन को हराता तो हूँ बट इसका नेक्स्ट पोकन मुझे वन शॉट डिफीट कर देता है। बट जो भी हो मेरा भाई, ये पोकन गुस्से में आके इसको फिनिश आउट करता है फाइनली। एंड इसके थर्ड पोकन के साथ भी सेम हालत होता है एंड इसका फोर्थ पोकन जब लॉन्च करते तब ये घोस्ट टाइप का होता है एंड फाइनली जब टैलाइज फॉर्म में ये हो जाता है इलेक्ट्रिक टाइप का। एंड उसके बाद भाई इसका अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था अपने ऊपर, बट अपना अटैक तो भाई साहब हमेशा जहर होता ही होते हैं। एंड फाइनली मैं इसको हराता हूँ एंड उसके बाद इसका रिएक्शन ओपी होता है भाई। एंड फाइनली इसके साथ मुझे एक फ़ोटो खींचने का मौका मिलता है एंड इसका जिम बैज भी। फिर भाई मैं पूरी सिटी घूमने की डिसाइड करता हूँ एंड पूरी सिटी में मेरे को कुछ खास तो दिखता नहीं है, कुछ छोटे मोटे पोस्टर दिखते हैं। एंड फाइनली उसके बाद भाई साहब मैं आके यहाँ पर डिसाइड करता हूँ कि मैं अभी सारे टाइटन्स को हराऊंगा, ठीक है। मैं अपने सारे मिराइडन के सारे एबिलिटीज़ को ऑफ मतलब ऑन करूंगा, बट उसी रास्ते में मुझे एक पोकन अप्रोच कर देता है एंड भाई इसकी इतनी मजाल मेरे को टक्कर मारेगा साले। एंड फिर भाई साहब ये काफ़ी अच्छा पोकन दिख रहा था मेरे को, एक बासी की तरह लग रहा था, सीटी छोटा तो होता ना उसकी तरह। एंड उसके बाद हम आगे आगे स्टील टाइटन के पास, जो कि भाई यहाँ पर पता है मिट्टी में गड़ा हुआ था। एंड जब भी तुम लौंडे के पास जाते हो ना भाई, घमंड निकाल कर निकल जाता है। बट जो पूरे दिन तक मैं इसका पीछा करता रहा एंड ऐसे करते करते फाइनली भाई ये कमीना स्टील टाइटन मुझे दिख गया। एंड फिर आसपास देखता है, फिर ये मेरी तरफ देख के रोड करता है एंड फाइनली इससे मेरा बैटल शुरू होता है, जो भी हुआ था ना। एंड उसके बाद मैं इसको औकात दिखाने पे आ जाता हूँ भाई, इतना परेशान किया ना इसको, औकात दिखा दिया एंड फिर ये लौंडा पीछे से होल करके ऐसे निकल जाता है। एंड आफ्टर डैट मेरा पोकन इतना खुश होता है कि मेरे आसपास घूमता है। भाई क्या किस बात की खुशी भाई, हराया नहीं मैंने उसको अभी तक, सिर्फ एक बार डिफीट किया, दूसरी बार बाकी है, रुक जा भाई। एंड फिर मैं भाई इसके बनाए हुए होल से निकल जाता हूँ एंड यहाँ पर ये पोकन वापस से तोड़ता है पत्थर को एंड इसके अंदर की जो जड़ी बूटी होती है वो ये खाना वापस शुरू करता है, जो कि वाइट टाइप की होती है। एंड या आफ्टर दैट मेरा दोस्त भी आ जाता है एंड हम लोग इससे बैटल शुरू हो जाती है। मतलब इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी इस बार भी, खाने के बाद ये जो भी था खाया इसने। एंड फिर कोई बात नहीं भाई, हमने एक ही शॉट वापस इसे इसकी औकात दिखा दी एंड फाइनली स्टील टाइटन भी डिफीट हो चुका है। अब तो खुशी माना बनता ही है। बट उसके बाद मेरा पोकेमॉन भी इवॉल्व हो रहा था, चिड़िया भाई से अपने फाइनल स्टेज में जा रहा था एंड अपने फाइनल स्टेज में जा भी चुका था। आफ्टर इसके बनाए हुए केवे में घुसता हूँ जहाँ पर हम लोग और एक प्लांट को सिक्योर कर लेते हैं एंड उसके बाद क्यूट सी फोटो। एंड या सेकंड टाइटन भी डिफीट हो चुका था एंड उसके बाद हम लोग सैंडविच वापस ये बंदा बनाता है, बट सैंडविच को खाने वापस से आता है मिराइडोन, जिसको मैं खिला देता हूँ। एंड अब इसकी दूसरी एबिलिटी ऑन हो चुकी थी, जिसके थ्रू अभी हम लोग भाई हाई जंप लगा सकते हैं, देखो कितना ऊंचा जंप लगाता है। बट यहाँ पर भाई मेरा दोस्त वो एक पोकन निकालता है जो कि काफ़ी जख्मी था, जिसका आँख भी नहीं खुल रही थी एंड फिर ये अपने सैंडविच के हिस्से से खिलाता है एंड इसकी फाइनली आँख खुलती है। इससे मेरा दोस्त काफ़ी इमोशनल हो जाता है एंड जो भी हो। एंड आफ्टर दैट मैं डिसाइड करता हूँ मैं काफ़ी सारे यहाँ से क्रिस्टलाइज पोकेमॉन को हराऊंगा, हाँ टेराफॉर्म के पोकेमॉन को। एंड इसको ऑसम रिवॉर्ड लेने के बाद उन्हें रिवॉर्ड के यूज़ अपने पोकेमॉन को लेवल अप कराने में किया, ठीक है। इनसे जो रिवॉर्ड मिलता है उससे तुम अपने पोकेमॉन को लेवल अप करा सकते हो इजीली। एंड देखो भाई साहब एम कैंडी जो है मैं उसे फाइनली इसको अपने लेवल 36 में ले जाऊंगा। एंड आफ्टर दैट या ये अपने थर्ड फॉर्म में जाने वाला था, देखो भाई हमारे लिए तो काफ़ी बड़ी बात है बिकॉज ये पोकेमॉन मैंने अभी तक नहीं देखा था एंड ये कितना ऑसम लग रहा है भाई। फिर मैंने सोचा इसके साथ कुछ बकलोलिया करते हैं एंड फिर मैं चला गया इनको भाई तंग करने, छोटे छोटे बच्चों का तंग। बट इससे मेरा दिल नहीं भरा, मैंने सोचा भाई साहब इससे सिग्नेचर मूव को एक बार यूज़ करेंगे एंड इसके लिए मैं कुछ ट्रेनर से बैटल करने आ गया। इसका सिग्नेचर मूव भाई साहब क्या ही पावरफुल है, दिखने में कितना औसम है। बट आफ्टर डेट मैं यहाँ पर घूम ही रहा था कि मैं छोटू सा पोकन मिला, छोटू सा, एंड ये पोकन फायर टाइप का था तो मेरे पास ऑलरेडी फायर टाइप का था, बस मैंने इसको कैच करके रख दिया पीसी, ठीक है। एंड फिर हम लोग इधर से उधर जा रहे थे, अभी हमको जाना था फ्लाइंग टाइटन के पास जो कि उड़ता है भाई। एंड पता नहीं पत्थर कहाँ से आ रहे थे, मैं समझ तो नहीं आ रहा था पहले कि पत्थर आ कहाँ से रहे, मैं सारा दिमाग घूम रहा था। फिर मुझे पता चलता है ये टाइटन भी आ रहा है भाई ऊपर से, कमीना टाइटन ऊपर से पत्थर गिरा रहा है। फिर भाई जैसा तैसे मैं इस टाइटन के पास गया एंड मुझे देखते टाइटन नीचे आ गया भाई बैटल करने, पता नहीं भाई अपने मौत के पास क्यों आ रहा है टाइटन। बट जो भी हो इस टाइटन कम्युनिट टाइटन को हम लोग ऐसे अप्रोच करते हैं, एक ही फ्लेम स्वॉर्ड में इसकी लंका लगा देते हैं एंड आफ्टर दैट ऐसे निकलता है पत्थर तोड़ता है, यहाँ से तोड़ दे भाई, यहाँ तोड़ रहा है पत्थर। एंड फिर इसके अंदर जो मटेरियल होता है उसको ये खाना शुरू करते हैं, यहाँ पर ग्रीन टाइप का है, ठीक है। एंड फिर अर्वन आता है यहाँ से एंड हम लोग इससे बैटल शुरू कर देते हैं। मतलब इसकी पावर अभी बढ़ चुकी थी बट भाई हमारे पोकन के सामने इसकी औकात की तरह एक ही शॉट में वापस से हमने इसे फिनिश आउट किया एंड आफ्टर डैट हाँ भाई ये फाइनली फिनिश हो गई। एंड फिर हम लोग भाई जश्न माना तो बनता ही है एंड उसके बाद हम गए इसकी गुफा में एंड इसको फिर सिक्योर कर लिया। फाइनली हमने तीन टाइटन्स को ऐसे डिफीट कर दिया है एंड फिर हमने इसका सैंडविच बनाया एंड वो सैंडविच इसने अपने पोकेमॉन को खिलाया, जिसका भाई साहब ज़्यादा असर नहीं हुआ। बट अपने मिराइडन को जब हमने खिलाया तो इसकी और एक एबिलिटी खुल गई, जो कि थी भाई साहब
सफर मतलब हाँ सर्फ करने की, सफर नहीं सर्फ करने की। एंड भाई साहब मैं पानी में भी डैश मतलब सुपर स्पीड में घूम सकता हूँ, देखो बहुत ज़्यादा मस्त बात है। एंड फिर हमने डिसाइड किया इस टाइटन को हम हराएंगे, टाइटन ग्राउंड को, ठीक है। एंड उसी रास्ते में हमें और एक टेरा क्रिस्टल मिल गया जिसके अंदर भाई साहब दो पोकेमोन थे। मैं सोचा दो पोकेमोन ये क्या सब रहा है भे। एंड बाद में पता चलता है ये दो पोकेमोन एक साथ रहता है, ठीक है, जैसे एग्जीक्यूटर के छोटे बच्चे रहते हैं, ठीक है, वैसा ही सेम क्या होता है। एंड फिर पता नहीं एक छोटा सा पोकेमोन मेरे को धक्का मारता है वापस से, एंड अपन का गुस्से का आग चलता है। भाई जो भी हो हम सबको इग्नोर विग्नोर मार के अपन लोग आ जाते हैं फाइनली इन सबको पोकेमोन को किल विल करके, फाइनली आ जाते हैं अपन लोग ग्राउंड टाइटन के पास जो कि भाई साहब घूम रहा था। मुझे पता नहीं ये कौन सा कैसा टाइटन है भाई, काफ़ी अजीब लग रहा था मेरे को ये लौंडा। बट जो भी हो इसे हम बैटल शुरू करते हैं। एंड बैटल शुरू करने के बाद ही भाई साहब अचानक मेरा भाई फ़ोन बजता है एंड प्रोफेसर का कॉल था कि भाई ये पोकेमोन तक ग्रेट गेट ऑफ पैल्डिया से भागा हुआ पोकेमोन है। एंड भाई ये पोकेमोन द ग्रेट गेट ऑफ पैल्डिया गया तो भाई बाकी सारे पोकेमोन कितने खतरनाक हो गए उधर के। एंड ये सोच के भाई साहब मैं इस पोकेमोन को हराता हूँ, मेरी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ती है। बट भाई जब ये पोकेमोन यहाँ से निकल लेता है एंड इसका पीछा मैं करते करते आ जाता हूँ इसके पास, जब ये वापस इसको तोड़ता है एंड कुछ पौधा खा लेता है एंड मेरा दोस्त भी आ जाता है यहाँ पर, एंड फिर इसके साथ हमारी बैटल शुरू हो जाती है। बाई द वे यहाँ पर मैं सबसे बड़ी गलती करता हूँ, पता है क्या गलती है, अपने पोकेमोन को टेरा फॉर्म में इवॉल्व करने की गलती। यहाँ तुम सोचो क्या गलती है भाई, एक शॉट में हरा देगा, बट दैट इज़ माई बिग मिस्टेक। देखो मैं करता तो एक शॉट में हराने के लिए, बट उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, वो पहले अटैक करता है एक ही शॉट में निपटा डालता है, कल्याण कर देते अपना। एंड भाई साहब ने पोकेमोन फर्स्ट टाइम मरा ये पोकेमोन, पता है अभी तक नहीं मरा था, बट जो भी वो लास्ट ऑफ द टाइम मैं कुछ नहीं कर पाता, बट या अलवन इसे हरा देता है। भाई साहब बहुत अच्छा तगड़ा बंदा है अलवन, जो भी है हेल्प तो किया। एंड फिर भाई साहब हम लोग और एक प्लान को सिक्योर कर लेते हैं एंड फिर एक क्यूट सी फोटो एंड अपना बैज भी मिल चुका था अभी हम लोग को ग्राउंड टाइटन का बैज। एंड फिर हमने अपने मिराइडन को और एक सैंडविच खिलाया जिसके बाद उसकी और एक पावर बढ़ गई जो कि थी भाई साहब ग्लाइडिंग की पावर। एंड ग्लाइडिंग की पावर भी काफ़ी औसम होती है। एंड फिर मैं अपने शक्तियों का प्रयोग करते करते नेक्स्ट सिटी में आता हूँ एंड इस सिटी में मैं ऊपर से ग्लाइडिंग करके देखना चाहता था कि कैसा लग रहा है। एंड मज़ेदार फीलिंग तो आती ही है। बट अभी हम चार टाइटन को हरा चुके थे, राइट, चार टाइटन को अभी तक हमने हरा दिया था, तो अभी भारी थी पांचवे टाइटन की, बट उसको देखिए मेरी फट गई भाई, वो बहुत पावरफुल था यार, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद इसको हराएंगे, ठीक है, फिलहाल इसको इग्नोर ही मारते हैं। तो ये सोच के मैं सिटी से भी निकल गया बिकॉज सिटी में कुछ था नहीं फिलहाल। एंड फिर हम लोग आ गए इस बंदी के पास, मैं सबको हराया यहाँ के जितने ट्रेनर हैं। एंड फिर हमको कुछ पोकेमोन से मिले जिनको हमने कैच कर लिया, न्यू पोकेमोन। एंड या फिर हम लोग सफर पे आगे निकल गए जहाँ पर हमको और एक टीम स्टार का वेस दिखाओ। एंड यहाँ पर वापस से क्लिफ था खड़ा हुआ, भाई क्लिफ तो हर जगह क्यों होता है मेरे भाई। बट फिर हमने क्लिफ से बात कर ली थोड़ी बहुत एंड इसका दिल भी हल्का हो गया मुझसे बात करके। एंड फिर हम घुस गए इस बेस में, ठीक है, टीम स्टार का सेकंड बेस। एंड ये सबसे वीकेस्ट बेस भी था टीम स्टार का। फिर भाई साहब इनके पोकेमोन जो निकलते हैं भाई साहब छोटे छोटे पोकेमोन जिनको हम कुत्ते की मौत यहाँ से मार देते हैं एक ही अटैक के साथ। एंड फिर फाइनली यहाँ से हमको और 30 पोकेमोन का खात्मा करना पड़ता है। भाई कितने मुश्किल है भाई, किन का खात्मा करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। और जो भी हम 30 पोकेमोन का खात्मा करते हैं एंड फिर इनका आता है लीडर जो कि भाई साहब एक मतलब बीड बनाने वाला था, रैपर था आई थिंक, ऐसे बोलते बीड बनाता है बंदा। एंड भाई फिलहाल उसके बाद उससे हमारी बैटल शुरू होती है जिसका पहला पोकेमोन ये छुटको सा आयरन पोकेमोन जिसको देखते ही भाई साहब हमारे दिमाग की तार छिड़ जाती है। एंड मैं अपने पोकेमोन के ऐसे सनशाइन करवा देता हूँ, भाई साहब कितना कूल लगता है यार पोकेमोन शाइनिंग में। बट जो भी हो भाई साहब एक शॉट से तो निपटाना ही था इस पोकेमोन को, तो हमने एक ही शॉट किया एंड एक शॉट से इसकी अकल ठिकाने आ गई। आफ्टर डेट ही अपना सेकेंड पोकेमोन रिलीज करता जो कि एक ट्रक ही था एंड अपन ने इसको भी इसकी औकात दिखा दी एक ही बार में या। एंड फिर यहाँ से 1.5 साल पुरानी एक इमेज दिखाई जाती है जहाँ पर इन लोगों ने अपनी टीम को बनाई थी, दुख भरी कहानियाँ इनकी। एंड फिर भाई साहब ये बंदे से हम हाथ मिलाते हैं, अपन को मिल जाता है इसका बैच भी। एंड फिर क्लिव आके इसे वापस एकेडमी ले जाने के डिसाइड करता है, भाई तू एकेडमी में आ जा हमारे साथ। एंड उसके बाद क्रसन पिया मुझे कुछ रिवॉर्ड भी देती है एंड फिर ये हमें कुछ LP देती है रिवॉर्ड के थ्रू, ठीक है, एंड कुछ TMs भी देती है बॉक्स में भर के। एंड आफ्टर डैट हमें यहाँ पर और एक लड़की मिलती है पैनी नाम की जो कि यार यहाँ पर आई थी हमें कुछ मटेरियल्स देने पोकेमोन के, बट मेरा भाई मिराइडन इसके पता नहीं क्या तंग कर रहा था इसको। बट फाइनली जब मिराइडन सो जाता है ये मेरे को दे देती है पोकेमोन के मटेरियल्स। एंड अभी मुझे जाना था नेक्स्ट जिम में, मैं सोच रहा था कौन से जिम में जाऊँ, फिर मैं डिसाइड करता हूँ फाइनली मैं साइकिक जिम में जाऊँगा एंड जो कि भाई यह काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट जिम थी। एंड उसी रास्ते में मैं और काफ़ी सारे शाइनी क्रिस्टल का आ जाता हूँ उसको तबाह करने या कुछ बोके उनको एंड इनसे मिले ऑसम रिवॉर्ड को तो कौन ही भूलेगा। फिर कुछ बंदे भी मेरे को हराने के लिए आते हैं, बट भाई साहब सारे बंदे को मैं हरा के आ जाता हूँ। एंड उसी बीच
बड़ा ये पोकेमॉन अपने थर्ड फॉर्म में जाने वाला था, जो कि काफ़ी ऑसम लुकिंग देती है। एंड आफ्टर डेट मैं केव के थ्रू यहाँ पर नेक्स्ट सिटी में यहाँ पर आ जाता हूँ, जो कि भाई लुकिंग में तो बहुत ओपी थी। एंड फिर मैं जिम टेस्ट देने भी आ जाता हूँ इस लड़की के पास। एंड यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना भाई, उनसे पहले रिएक्शन देना है अपने पोकेमॉन का। मेरे पोकेमॉन को देखो तुम, रिएक्शन क्या मार रहा है भाई, हंस रहा है, रो रहा है, ये सब मुझे रिएक्शन करना है इनसे पहले, ठीक है? ये चीज़ तुम्हें करना है। एंड इसके बाद तुम्हें लास्ट वक्त एक बंदे से तुम्हें बैटल करना ही पड़ेगा, जो कि बुड्ढा है, जिसके पोकेमॉन भाई इतने पावरफुल होते हैं, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। 3 से 4 बार लगे मुझे हराने में, बट फाइनली इसके फर्स्ट पोकेमॉन को मैंने यहाँ से जैसे तैसे डिफीट कर दिया। एंड फिर भाई जब इसका सेकेंड पोकेमॉन जो था ना भाई, वो काफ़ी ताकतवर था, मैंने तुम्हें दिखाया नहीं, और जो भी हो उसके बाद हम जिम टेस्ट पास करते हैं। एंड फिर हम आते हैं जिम लीडर के पास। एंड यहाँ के जिम लीडर तो भाई साहब मेरे दिमाग ख़राब कर देते। देखो हम यहाँ पर आते हैं जिम लीडर का है भाई, बट अचानक पीछे से एक लड़की आती है जो कि जिम लीडर होती है, एंड पीछे से इसके 2 गार्ड भी होते हैं भाई। यस, मेडिटेट वाले ये 2 पोकेमॉन जो होते हैं वो इसके गार्ड भी होते हैं भाई, एंड अपने साइड से निकल जाती है भाई, बिल्कुल भाव देती थी भाई। हम भाई इसको चैलेंज करना है, बट कोई भाव भाव नहीं है चैलेंजर की, बट जो भी हो उसके बाद हमारी इसका बैटल शुरू हो जाती है। इसका फर्स्ट पोकेमॉन जो कि काफ़ी ओपी दिख रहा था, जिराफी का इवोल्यूशन भाई साहब, इसकी पावर लेवल की तो बात ही अलग थी, बट जो भी हो जैसे तैसे मैंने इसको धूल चटा दी। अपन पावरफुल थे ना। एंड आफ्टर डैट ये मरता है पोकेमॉन, इसका सेकंड पोकेमॉन गाड़ी वायर आता है। एंड इसके लिए मैं अपने पावरफुल पोकेमॉन को लाता हूँ, गाड़ी वायर की उसकी औकात दिखा देता हूँ एक ही शॉट में। एंड हाँ, दूसरे शॉट में उसको मारना पड़ता है। एंड फिर इसका थर्ड पोकेमॉन आता है, जो कि भाई एक शॉट में ही फिनिश आउट होता है। एंड इसका फोर्थ पोकेमॉन के लिए मैं इस पोकेमॉन को बुलाता हूँ, एंड फिर ये अपने पोकेमॉन को यहाँ से शाइन करने के लिए टेरा फॉर्म में इवॉल्व करवा देती है, एंड जो कि लुकिंग में काफ़ी ऑसम था। एंड फिर मैं भी करता हूँ अपने पोकेमॉन को, एंड दिस इज माय बिगेस्ट मिस्टेक, बिकॉज भाई साहब तुम देखना अभी ये बंदे मून ब्लास्ट करती है, एंड एक ही शॉट में मेरा पोकेमॉन फिनिश। भाई साहब बहुत दिल से बुरा लगता है, बट इसी बीच मेरे सारे टीममेट्स को भी ये डिफीट कर देती है। अपन को यार क्या ही करना था, बट जैसे तैसे मेरा ये पोकेमॉन 2 HP में बचता है, एंड लास्ट होप के थ्रू ये इस ट्रेनर को हरा देता है, मतलब जिम लीडर को हरा देता है। एंड फिर ये टूटती जब है ना भाई, सेटिस्फेक्शन मिलता है दिल से अलग सा ही भाई इसका टूटना देखने से। एंड फाइनली उसके बाद भाई इसका मुझे जिम बैच भी मिल जाता है, एंड अपने 4th या 5th जिम आई थिंक जीत चुके थे हम लोग यहाँ से, तुम गिन लेना, मैं गिन नहीं रहा फिलहाल, ठीक है? एंड जैसे तैसे उसके बाद हम इस जिम शहर से बाहर निकलते हैं, एंड उसके बाद ही अपन लोग को यहाँ से काफ़ी सारे ऑसम पोकेमॉन देखने को मिलते हैं भाई, क्या ही क्यूट से सारे पोकेमॉन थे। एंड उसके बाद अपन लोग डिसाइड करते हैं कि भाई साहब हम लोग टाइटन को आएंगे, एंड उसी रास्ते में एक क्यूट से पोकेमॉन मिलता है जिसको हम कैच कर लेते हैं, एंड हम निकल जाते हैं नेक्स्ट टाइटन के लिए। ऊपर से भाई साहब क्या ही ताकतवर है ना अपन, ऊपर से जा रहे हैं भाई। एंड फिर ऐसे ग्लाइडिंग करते करते फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ एक टापू पर, जहाँ पर एक छोटी सी मछली टाइटन चिल्ला रही थी, इनसे बात करने के साथ साथ ही भाई साहब नीचे से टाइटन आता है। भाई कितनी पावरफुल है ये, एंड इतना बाहर कैसे आ गया। एंड भाई मैंने अपने एक अटैक से इसकी बजा दी थी, बट जब इसने मारी ना मेरी भाई एक ही शॉट में ख़त्म। ओके भाई जो भी हो उसके बाद जो भी हो, मैंने अपने इस फ्लाइंग डे पोकेमॉन से इसे स्पार्क करके हराया तो जैसे तैसे। एंड इतने इसी में ये भाई साहब नीचे चले गए, एंड साइड से सड़क लिए भाई। एंड फिर मैं भी इसके पीछे करते करते आ गया, नहीं छोटा मछली पता नहीं यहाँ पर क्या कर रहा था, मुझे पता चल गया कि भाई यही टाइटन है, नौटंकी कर रहा है साला। एंड जब भी भाई मैं इसे बात करने लगा, यहाँ पर भाई पीछे से बड़ा टाइटन आ गया, एंड भाई पत्थर तोड़ दी, एंड छोटी मछली चली गई पत्थर के अंदर। एंड फिर अब अपना अर्वन भी आ गया, एंड जब ये मछली लौटी भाई इसने इसको खा लिया बड़े टाइटन ने, भाई कितना बेरे है मैं पोकेमॉन ही खा लिया साले ने। एंड आफ्टर डैट ही इतना पावरफुल बन गया ना यहाँ पर, इसको हराना भाई मेरी बस की बात नहीं थी, पर जैसे तैसे भाई हमने इसको हराया यहाँ से, इतना पावरफुल था ना ये, क्या ही बताओ मैं तुम्हें, फिर फाड़ के रख दी थी इसने, मेरे पूरी टीम को लगभग हरा दिया था। एंड आफ्टर डैट मेरा पूरा टीम वापस से हील होता है, एंड ये छुटकू सा मछली आ जाता है भाई, मतलब ये रियल टाइटन था, वो अलग टाइटन था, ये फॉल्स टाइटन है भाई, वो मतलब टाइटन था ही नहीं, वो थी इमेज ऐसे कुछ था भाई, ये रियल टाइटन है भाई। एंड फाइनली इस टाइटन को जैसे तैसे मैं पैरालाइज करता है मेरा दोस्त, एंड इसको जैसे तैसे मैं यहाँ से हराता हूँ भाई, इतना हार्ड था यार इसको हराना। एंड फिर हम इसके प्लांट को भी सिक्योर कर लेते हैं, फाइनली हम 5 टाइटन्स को हरा चुके थे। एंड इसके बाद तो भाई हम तुमको बैज मिल रहा था टाइटन का, ड्रैगन बैज। एंड उसके बाद मैं अपने मिराइडन को वापस इसे यहाँ से सैंडविच खिलाता हूँ, एंड मेरा मिराइडन की और एक एबिलिटी खुल जाती है, एंड इस बार की क्लाइंबिंग की एबिलिटी खुल जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा हो समय क्लाइंबिंग। एंड फिर अपने पोकेमॉन को यहाँ से खिलाता है सैंडविच, इसका कोई असर नहीं होता है, एंड ये जाके रोड़ने लगता है साइड में, बट यहाँ से जब ही पोकल गिरता है ये पोकेमॉन इस पोकल को देखता है, एंड अचानक से भाई ये उठ जाता है, एंड इस पोकल को मुंह में लेके अपने अर्वन के पास आता है। एंड ये इमोशन मतलब हाँ ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा इमोशनल था अपने अर्वन के लिए,
भाई साहब कितने, मेरे को भी खुशी आ रही थी भाई इसका पोकन फाइनली ठीक हो गया भाई, इतने टाइम से इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। एंड फिर भाई दोनों गले मिलते हैं, एंड मैं मिला डॉन भी भाई साहब अपनी दोस्ती पक्की थी। एंड फिर ये सारा मोमेंट खुशी खुशी में बीत जाता है। बट उसी बीच ये सैंडविच मतलब बना चुका था, हाँ पहले बात छोड़ो, प्रोफेसर का कॉल आता है, वो मुझे बुलाते हैं लाइट हाउस में आने के लिए, ठीक है। एंड फिर हम लाइट हाउस में आते हैं, एंड यहाँ पर हम दोनों भी आ जाते हैं, अरवन मैं उससे पहले आता हूँ पहले, एंड फिर हम लोग घुसते हैं दरवाजे में, एंड यहाँ पर हमें पता चलता है प्रोफेसर तो लैब पे है ही नहीं। एंड उसके बाद ये हमें बोलते हैं कि एक हेल्प चाहिए इन्हें हमारी, हमें भाई साहब एरिया जीरो द ग्रेट क्रेटर पैल्डे के बिल्कुल नीचे इनका लैब है जहाँ पर हमको आना है। एंड फिलहाल भाई कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी है, कुछ टाइम मशीन वाइमेशन का गड़बड़ है वहाँ पर, एंड इनको वायलेट बुक चाहिए उसको बंद करने के लिए, ठीक है। फिर हम लोग ये बुक था जो कि जिससे देख के ना अपने टाइटन ढूंढना था, वही बुक था ये, एंड ये उनको चाहिए था। फिर भाई ये बंदा मेरे को बोलता है मैं, तू मेरी हेल्प करेगा? एंड फिर मैं ऑफकोर्स भाई क्यों नहीं तेरी हेल्प करूँगा, तूने मेरी इतनी हेल्प किया टाइटन को हराने में, ठीक है। टाइटन के लोकेशन दिए, एंड फिर हम लोग बाहर आते हैं देखने के लिए कि मैं इतना स्ट्रॉन्गर हूँ क्या कि मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। एंड ये बोलता है कि इसको बीट करने के बाद ये मेरे को वहाँ पर ले जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसको बीट करने आ जाता हूँ, बट डैट इज़ द प्रॉब्लम, इसके पोकेमॉन कुछ ज़्यादा ही पावरफुल थे। जैसे जैसे मैं इसके ग्रीडन को शॉट तो करता हूँ, बट ये ग्रीडन भाई साहब इतना पावरफुल था कि मेरे को दो शॉट में निपटा डालता है। फिर बाय द वे मैं जैसे जैसे ग्रीडन को हराता हूँ, एंड फिर इसका भाई ये पोकेमॉन आता है जो कि एक के बाद एक में पूरी टीम को हरा देता है। एंड या मेरे लास्ट पोकेमॉन को भी भाई गंदी तरीके से बीट करता है। फिर जो भी हो, फाइनली हम लोग यहाँ पर आते हैं नर्स जॉय के सेंटर में, वापस से पोकेमॉन सेंटर में। एंड फिर अपन लोग डिसाइड करते हैं, फिलहाल हम लोग जाएंगे पोइजन स्टार वाले, हाँ स्टार वाले बेस में, पोइजन वाले में, ठीक है। जहाँ पर जाने के वक्त मुझे यहाँ पर मिलता है एक पता नहीं अजीब अजीब पोकेमॉन दिखता है मेरे को, एंड ये पोकेमॉन भाई साहब एक वो था क्या जो बोलते हैं अरे क्या था, बग टाइप था। एंड फिर भाई साहब मैं स्टार बेस में आ जाता हूँ, जहाँ पर आने को जो छुटको बच्चा बोलता है मैं तो इससे बैटल करूँगा, तू जा भाई यहाँ से, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ यार चलो सही है, ये लोग मेरे को पहचानते भी थे भाई, मैं एलेक्स जिसने दो टीम लीडर स्टार बेस को पहले हरा चुका है, ठीक है। फिर इस बंदे से मेरी बैटल शुरू हो जाती है छोटे से बच्चे से, जिसको भाई साहब मैं अपने फ्लेम थ्रोअर से ही कवर कर देता हूँ एक ही शॉट में। एंड फिर हम लोग आते हैं फाइनली 31 को बीट करने के बाद इनके लीडर के पास, जो कि भाई साहब लीडर की गाड़ी तो असम थी, एंड ये लीडर भाई देखने में और भी कूल था। एंड मैं बता दूँ ये लड़का है, ठीक है, लड़का है, ठीक है, लड़की में समझना इसको। एंड इसके पोकेमॉन भाई साहब ये था, तो मैं सोचा भाई इसको इजीली हरा दूंगा, मैं बहुत इजीली हरा दूंगा, बट इसके पोकेमॉन पावरफुल थे भाई। पहले पोकेमॉन को तो मैंने वन शॉट के हरा दिया जैसे तैसे, एंड फिर इसका दूसरा पोकेमॉन आता जो ये था, एंड ये भी स्टील एंड पोइजन टाइप था, तो मैंने इसको बहुत इजीली हरा दिया। एंड फिर इसका थर्ड पोकेमॉन आता जो कि ट्रक था भाई साहब, एंड इसके ऊपर मैं शैडो बॉल यूज़ करता हूँ, एंड जैसे जैसे थोड़ा बहुत डैमेज करते करते फाइनली फ्लेम थ्रोअर से मैं इसे डिफीट कर देता हूँ। एंड उसके बाद इनकी फिर से भाई 1.5 साल पुरानी भाई बेकार चीज़ दिखाई जाती है, बट इसमें इसकी फेस दिख जाती है जो कि भाई बहुत क्यूट थी भाई। एंड फिर जैसे तैसे भाई साहब ये बंदा भाई अपने पुराने बात याद करता है, दुखी होता है, एंड फिर हमें इसका बैच भी मिल जाता है पॉइजन का, ठीक है। हम तीन टीम स्टार के बेस का भी हरा चुके हैं, एंड फिर अपना भाई क्लिव आता है, एंड इस बंदे को वापस से अपने साथ ले जाने के लिए राजी कर लेता है। एंड फिर क्रोसम्पिया में वापस से देती है कुछ और एलपी, एंड एलपी से तुम चीज़ें खरीद सकते हो, ठीक है, एलपी मतलब पैसे के रूप में ही होते हैं, पैसे ऐसे होते हैं सेम एलपी होती है। एंड फिर पोकेमॉन मटेरियल देते हैं, एंड जाते जाते भाई ये रिएक्शन होता है इसका, एलेक्स प्लीज़ उन बंदों से मत हारना। एंड फिर भाई हम किसी भी हाल में हार ही नहीं सकते फिलहाल, भाई इसका ये रिएक्शन कितना क्यूट था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे आइस जिम पर, एंड आइस जिम में जाने के लिए भाई साहब हम क्लाइंबिंग कर सकते हैं इजीली, बिकॉज हमारा मिराइडन अभी क्लाइंबिंग भी सीख चुका है, तो हम इसीलिए पहाड़ चढ़ चढ़ के चले गए थे। बट उसी बीच में कोई यहाँ पर एक शाइनी पोकेमॉन मिल जाता है, शाइनी रेल्स। मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा शाइनी हंटिंग करने की ट्राई की थी इस गेम में, बट मैंने कर नहीं पाया था, बट फाइनली जब मेरे को शाइनी रेल्स मिलती है ना, दिल से अलग ही सुकून मिलता है। एंड फिर मैं इसे एक आइस टैंक करता हूँ, एंड उसके बाद अपने पोकेबॉल थ्रो करके इसे मतलब अल्ट्रा बॉल थ्रो करके इसे कैच कर लेता हूँ फाइनली यहाँ से, ओ भाई आ गया। एंड उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट सिटी में, जहाँ पर भाई साहब उसका जिम टेस्ट इतना ज़्यादा हार्ड था स्टार्टिंग में मेरे लिए, तो मैं कर ही नहीं पा रहा था, ठीक है, जैसे तैसे मैं कर रहा था भाई इतना मुश्किल हो रहा था। एंड उसके बाद मेरे को पता चलता है असली प्रोसेस मुझे करना कैसे है, एंड फिर भाई साहब मैं बाजीगर हो जाता भाई, ऐसा जैसे इतना हार्डली था ना, बट फिर भी मैं यहाँ से इतना इजीली इसको कर रहा था फिलहाल। एंड जैसे तैसे मैं ये करते करते यहाँ से जिम टेस्ट को पास कर जाता हूँ। एंड फिर भाई साहब जिम लीडर के पास मैं यहाँ से आता हूँ, जिम लीडर यहाँ पर पता नहीं भाई नहीं थी जैसे कि, ठीक है, ये क्यूट सा पोकेमॉन था, बट भाई साहब ये नाच रहा था, मेरे को दुख हो रहा था भाई जिम लीडर का है। एंड फाइनली उसके बाद यहाँ से एंट्री होती रॉयल एंट्री भाई जिम लीडर की, एंड ये लुकिंग में इतनी ज़्यादा ऑसम थी ना भाई, क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें, कितनी कूल लग रही है जिम लीडर, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। एंड उसके बाद भाई इसका जो मार्क्स उतारने वाला सीन था काफ़ी ओपी था। एंड फिर इसका फर्स्ट पोकेमॉन यहाँ से आता है, जो कि यहाँ से था एक मेरे को नाम नहीं पता इसका, सच बता रहा हूँ, बट जो भी था इस बटरफ्लाई आइस टाइप था। एंड
फिर मैंने अपने पोकेमॉन कैसे टेरा लाइव फॉर्म में लाया एंड फिर क्या था भाई साहब वन शॉर्टली इसका पोकेमॉन को मैंने इसकी औकात दिखा दी भाई, बुरा लग रहा है बट जो भी उसका सेकंड पोकेमॉन आया यहाँ से एंड ये भालू को तो भाई साहब अपन को क्या ही कहना था, अपन ने सोचा इसको फ्लेम थ्रोअर से एक ही फ्लेम थ्रोअर में निपटा डालेंगे एंड फिर भाई साहब पोकेमॉन गुस्सा हुआ एंड यहाँ एक ही फ्लेम थ्रोअर से इसकी लग गए एंड आफ्टर इसका थर्ड पोकेमॉन आया जो कि व्हेल जैसा पोकेमॉन था जिसकी मैंने एक शॉट में निपटा डाला, एक शॉट नहीं सॉरी दो शॉट में निपटा डाला एंड आफ्टर इसका लास्ट पोकेमॉन आ जाता है यहाँ से एंड जिसको वो टेरालाइज करने के लिए भाई साहब अपने टेरा ऑर्ब का यूज़ करती है एंड फाइनली ये पोकेमॉन हो जाता है टेरालाइज यानी होता है आइस टाइप। भाई ये आइस टाइप कैसे हो सकता है, बट कोई बात नहीं, हम भी खैर कम थोड़ी थे इससे, हमने भी एक शॉट से इसकी औकात इसको दिखा दी, एक सेकंड दो शॉट से ना, हाँ दो शॉट से इसको मार दिया एंड उसके बाद इसका जो टूटने वाला सीन है भाई सेटिस्फेक्शन देता है दिल को एंड आफ्टर दैट मुझे इससे क्यूट से एक फोटो खींचने बनने का मौका मिल गया एंड जिम्बैज भी मिला हमें एंड फिर हम लोग यहाँ से जा ही रहे थे कि हमको गीता मिल गई एंड गीता को हमें पता नहीं था बट यानी मोना आके बोलती कि भाई गीता तो चैम्पियन है, टॉप चैम्पियन एंड फिर भाई साहब मेरा और निमोना का बैटल शुरू हो जाता है जो कि गीटा विजिट भी खेल रही थी एंड फिर भाई साहब जैसे तैसे भाई निमोना के फर्स्ट पोकेमॉन को मैं हराता हूँ एंड फिर भाई इसके सेकंड पोकेमॉन गुड्रा का छोटा रूप था पता नहीं कैसे पकड़ा ग्लूमी को इसने एंड जैसे जैसे मैं इसके सारी टीम को हरा देता हूँ एंड अपने लास्ट पोकेमॉन को लाती है एंड भाई साहब ये पोकेमॉन दिखने में काफ़ी क्यूट लग रहा था यार, कैट वाला पोकेमॉन। फिर भाई ये तो पोकेमॉन को टेरालाइज फॉर्म में लाती है बट अपन के सामने भाई कोई पोकेमॉन में कुछ नहीं है भाई, बिल्ली सारी बिल्ली है, चलो बीगी बिल्ली हरा दिया इसको मैंने एंड जैसे तैसे भाई साहब इसका ख़त्म हुआ लफड़ा एंड फिर हम लोग आगे नेक्स्ट सिटी में जहाँ पर भाई साहब और एक जिम था, ठीक है जिम था भाई अच्छा खासा जिम था एंड जहाँ पर हम लोग आ गए एंड यहाँ पर मैंने पोकेमॉन सेंटर में अपना इलाज करवा लिया, वैसे भी पोकेमॉन सेंटर यहाँ पर खुले में होता है ठीक है एंड फिर हम लोग यहाँ से जिम टेस्ट देने आए, जिम टेस्ट कुछ नहीं था भाई, तुम्हें दो वर्सेस दो बैटल में कुछ बंदों को यहाँ से बीट करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी स्किल दिखानी पड़ेगी, ने ऐसा ही कर दिया एंड उसके बाद आते हैं इनके जिम लीडर जो कि एक रैपर थी भाई साहब एमबीए बनता है समझ रहे हो ना, तो उसके बाद भाई साहब इसके साथ हमारा बैटल शुरू हो गया एंड इसके पोकेमॉन भाई साहब इतने खास नहीं थे मेरे हिसाब से, देखो मुझे पता था कि भाई इसके एक पोकेमॉन को तो मैं इजीली वन शॉट हरा दूंगा एंड मिमिक्यू को भाई साहब मैं डैमेज ही नहीं कर सकूंगा बिकॉज पहले उसका गर्दन तोड़ना पड़ेगा एंड फिर भाई साहब उसके सेकंड पोकेमॉन को तो भाई एक ही शॉट में निपटा देता हूँ एंड फिर मिमिक्यू को भी अपनी औकात अभी दिखने वाली थी एंड फाइनली उसका चार तीन पोकेमॉन हारने के बाद उसका फाइनली लास्ट पोकेमॉन आता है एंड उसी बीच पता है ट्रोलिंग शुरू हो जाती है हमारी, देखो भाई साइड से पता है क्या क्या निकल जाते हैं स्पिद्दी को तो देखो ही तुम एंड उसके बाद इसका पोकेमॉन भाई साफ टेरा इस फॉर्म में आके डार्क घोस्ट टाइप बनता है बट तुम जो भी कर लो मेरे भाई हमसे थोड़ी लगे तुम पंगा, हमसे लोगे पंगा तो पीट के करेंगे, पीट के मार मार के कर देंगे नंगा ठीक है एंड आफ्टर दैट अपन लोग ये जिम जीत चुके थे एंड इसका जिम बैच भी हमको मिल गया था एंड फिर भाई साहब हमने डिसाइड किया यहाँ से हम लास्ट जिम मतलब हाँ लास्ट जिम नहीं वाटर जिम में जाएंगे यहाँ से एंड वाटर जिम जो था भाई साहब इधर पे था, मतलब पता नहीं जिम लेडर मेरे को इधर पे दिख रहा था और इधर पे कोई जिम भी मेरे को नहीं दिख रहा था, पता नहीं जिम लेडर था इधर पे एंड फिर जब मैं यहाँ पर आया मुझे पता चला कि जिम लेडर यहाँ पर कुछ खरीदने आया है एंड उसका पर्स मैंने ऑलरेडी ले लिया था उसके जिम के बाहर से ठीक है, ऑलरेडी ले लिया था पर्स भूल गया था साला, पर जो भी मैंने उसका पर्स लौटाया एंड फिर यहाँ पर एक बोली लगने वाली थी इस सुपर फ्रूट की, मतलब फ्रूट जो भी है ये हाँ वेजिटेबल की, इसको ये चाहिए था तो भाई साहब बंदे ने मेरे को यहाँ से 50,000 रुपये दिया एंड बोला कि खरीद के लाओ एंड फिर यहाँ से बोली शुरू हो गई लगना, तो भाई साहब जिम टेस्ट भी था ये एंड इस जिम टेस्ट में भाई साहब पहले तो भाई था 10,000 15,000 लगा एंड जब भी लास्ट में मैंने 35,000 से इसको खरीद लिया एंड मुझे हो गया 15,000 रुपये मुनाफा यहाँ से ठीक है जो भी है उसके बाद मैं जिम टेस्ट भी पास कर दिया एंड फिर भाई दूसरे सिटी चला जा चुका था यहाँ से जिम लीडर, भाई देखो इतना दूर कौन जाता है भाई दूसरे शहर, फिर पता नहीं मैं इसके शहर आ गया भाई साहब इसको हराने एंड जो भी हो इस सिटी में मुझे निमोना मिल गई वापस से एंड इसको मैंने वापस से बीट किया एंड या इसका रिएक्शन मस्त था एंड फिर भाई साहब जिम लीडर को हराने में यहाँ से निकल पड़ा एंड जिम लीडर भाई साहब यहाँ पर काफ़ी फेमस थे भाई, सब इसके साथ खेलना चाहते थे बट जिम लीडर थेरा भाई साहब अपने काम से बिजी बोला कि भाई हटो यार मुझे पहले बैटल करना है एंड फाइनली ये बंदा वैसे बैटल पे आ गया जब इसका पहला पोकेमॉन भाई साहब एक फिश था, न्यू फिश है भाई मस्त है बट भाई मेरा पोकेमॉन कम थोड़ी था, हमने भाई इधर स्पार्क अटैक किया एंड एक स्पार्क दिख गई इसको अपनी औकात एंड आफ्टर इसका सेकंड पोकेमॉन आया जो कि भाई साहब ये वीक ट्रियो था हाँ पैलियर रीजन वाला जिसको हमने हरा दिया इसी तरीके से एंड फिर भाई साहब इसका थर्ड पोकेमॉन आता है एंड भाई ये इसको टेर लाइफ फॉर्म में ले आने के लिए बिल्कुल रेडी होता है, इसका हंसी भाई इसकी मस्त है भाई लौटने की एंड इसका पोकेमॉन भाई वाटर टाइप बन जाता है फाइनली एंड इसको भी हम लोग एक शॉट से निपटा डालते हैं भाई दे एंड फिर इसका जो टूटता है भाई साहब क्या सेटिस्फेक्शन देता है दिल को शांति परमानंद ठीक है एंड आफ्टर डैट हम लोग इसके साथ फोटो भी खिंचवा लेते हैं इसकी जिम्मेदारी भी ले लेते हैं एंड फिर
फाइनल बारी था, मैं जा रहा था यहाँ से जिम चैलेंज और करने पर, फिर हमें कोई यहाँ पर रिका मिला जो कि इलाइट फोर के मेंबर था। एंड फिर भाई साहब ये हमें कोई छोटी सी बच्ची से मिलाती है, एंड ये वो बच्ची बोलते हैं मैं इलाइट फोर के थ्रू कितना स्ट्रांग हूँ। एंड फिर रिका मेरे को बोलता है इस बात पर विश्वास करना थोड़ा अजीब है, बट या ये लड़की भी इलाइट फोर की मेंबर है। भाई छोटी सी बच्ची इलाइट फोर की मेंबर है, भाई सोचो कलयुग आ गया, घोर कलयुग है भाई, छोटी सी बच्ची कैसी इलाइट फोर का मेंबर हो सकती है। एंड उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ फाइनली नॉर्मल जिम को हराऊंगा, नॉर्मल जिम लास्ट जिम है हमारा ठीक है यहाँ का, तो उसको हराने के लिए मैं निकल जाता हूँ। एंड रात भी हो जाते हैं भाई साहब, इतने सारे दिन बिताए ना मैंने इस गेम के अंदर, क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। बट यहाँ पर मैं आ जाता हूँ फाइनल नॉर्मल जिम को हराने, जो कि एट जिम था यहाँ का। एंड नॉर्मल जिम को हराने से पहले मैं सोचता भाई आप थोड़ी हेयर कट वेयर कट कर लेते हैं भाई साहब अच्छे लगेंगे, एंड मैं अपने हेयर स्टाइल चेंज करता हूँ। एंड यहाँ से जिम टेस्ट को देने पहले आ जाता हूँ, जहाँ पर हमें एक फूड ऑर्डर करनी है, सही फूड। जब मैं ऑर्डर करता हूँ भाई साहब यहाँ पर लोग खाना खाते बैठे बैठे, बट पता नहीं ये हिलता है एंड सब गायब हो जाती है यहाँ से, यानी यहाँ पर स्टेडियम आ जाता है। एंड उसके बाद फाइनली यहाँ पर जिम लीडर भी आ जाते हैं अपने प्यारे से, एंड ये बुढ़ा था थोड़ा बहुत, बट जो भी उसका फर्स्ट पोकन रिलीज होता है, एंड फिर मैं इसको ख़त्म करता हूँ एक अटैक से। एंड फिर उसका सेकंड पोकन रिलीज होता है, इससे पहले मैं अपने पोकेमॉन को शाइन भी कर लेता हूँ, एंड उसका सेकंड पोकेमॉन को भी हम लोग ईजी तरीके से ख़त्म कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट भाई साहब इसका थर्ड पोकेमॉन रिलीज हो जाता है, इसका मेन पोकेमॉन, एंड इसको सनशाइन कर देता है, तो इसका हो जाता है इजी तरीके से टाइप चेंज नॉर्मल टाइप में। एंड फिर भाई साहब मैं जैसे तैसे इसे यहाँ से फिनिश करने की ट्राई करता हूँ, एंड एक शॉट से तो नहीं बट हाँ दूसरे शॉट से फिनिश हो जाता है ये पोकेमॉन। एंड भाई टूटने वाला सेटिस्फेक्शन मस्त था, एंड ये कम नहीं था कि उसके बाद हमारा ये पोकेमॉन जो इवॉल्व हो रहा था भाई, जब ये जब सेकंड स्टेज में आ रहा था मैंने तुम्हें नहीं दिखाई, आई एम सो सॉरी, वो क्लिप कहाँ से एडिटिंग में डिलीट हो गई, मुझे पता नहीं कहाँ डिलीट हो गई, बट जो भी इसके अपने फाइनल स्टेज में आ चुका था। एंड आफ्टर डेट हमें मिल जाते यहाँ से जिम बैज एंड क्यूट सा फोटो भी एंड खाना भी। एंड फिर मैं जा ही रहा था यहाँ से कि मेरे को निमोना एंड गीता मिल जाते हैं, जो कि मेरे को प्रेफर करते हैं पोकेमॉन लेक जाने के लिए, बट आई एम नॉट स्ट्रांग नाइट नाउ, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करेंगे। एंड उसी बीच एक चमकीला मछली मेरे को आकर टकराती है, मैं सोचा शाइनी पोकेमॉन होगी भाई साहब, बट ये तो शाइनी पोकेमॉन नहीं थी, ये तो अलग ही नशे में मतलब थी यार ये पोकेमॉन, ये भाई क्रिस्टलाइज हो जाती है, बट मैं इसे हराता हूँ एंड फिर फाइनली इसे मैं कैच कर लेता हूँ। एंड उसके बाद फाइनली हम लोग आ जाते हैं यहाँ से नेक्स्ट स्टार बीच को लाने, बिकॉज भाई सब को तो हरा दे, अब स्टार भी इसको हरा रहे हैं, वो एक्सपीरियंस लेना है, इसके गार्ड को हराते हैं एंड फिर हम चलते हैं भाई साहब यहाँ का और एक ट्रेनिंग करने एंड कुछ पोकेमॉन को भी हराने इधर के। तो भाई साहब 30 पोकेमॉन को हमें यहाँ पर हराना पड़ता है, जैसे तैसे हम इनको हराते हैं। एंड उसके बाद फाइनली मिलता है हमें यहाँ का सुप्रीम तो नहीं बोल सकते, हाँ यहाँ का बॉस मिल जाता है, जो कि भाई साहब ये लौंडा था, जो कि भाई साहब इसका फोर्थ स्ट्रांगेस्ट बॉस था भाई, फोर्थ स्ट्रांगेस्ट बॉस ये ठीक है, बहुत स्ट्रांग है ये, मेन बॉस तो नहीं है बट या भाई बॉस के थ्रू ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जिसके बाद मैं इसके दो पोकों को हरा देता हूँ ऐसे ही, बहुत मुश्किल से हराता हूँ यार। फिर इसका भाई तीसरा पोकन यहाँ से आता है जो कि इसका मेन पोकन होता है, एंड फिर भाई मैं इसको जैसे तैसे यहाँ से डिफीट कर देता हूँ। एंड फिर फाइनली इसके साथ मुझे फोटो खिंचवाते हैं एंड या फिर मैं निकलता हूँ। एंड मेरे को कुछ टेरा राइड भी करने थे यहाँ पर, एंड यहाँ पर मेरे को एक टेरा राइड दिखी जिससे मैंने कर भी लिया, एंड काफ़ी सारे और भी टेरा राइड्स मैंने जैसे करने की डिसाइड किया। एंड फिर मेरे को खाइलूचा भी कोई हराया, एंड इससे मेरे को एल कैंडी मिली जिसका भाई लेवल अप के लिए बहुत उपयोग होता है। एंड फिर भाई मेरे को यहाँ पर उठते कुछ पोकेमॉन दिखे, एंड मुझे ये नोइवन कैच करना ही था, मैं इसे टीम में तो ऐड नहीं करूँगा बट यहाँ से कैच तो करना ही था मुझे इस पोकेमॉन को, कि टीम में ऐड नहीं करना बट कैच करना है, बहुत ऑसम लग रहा था। फिर मैंने इसको कैच कर लिया यहाँ से हील बॉल के साथ, एंड आफ्टर दैट मैंने कुछ और भी यहाँ से बहुत बैटल्स की, बहुत सारी मैंने यहाँ पर स्टार राइड की ठीक है। फिर मैं यहाँ पर आ गया फाइनली स्टार बेस के इधर पर, जहाँ पर भाई साहब मुझे एंट्री करना था। एंड एंट्री करने के बाद इनके सबको हराने के बाद मैं इसके बॉस के पास आ गया, इनका जो बॉस था ये लास्ट बॉस था स्टार बेस का, एंड ये सबसे पावरफुल लौंडिया थी भाई इधर की। एंड इससे भाई लड़ने से पहले सबसे मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था भाई, जब इसका फर्स्ट पोकेमॉन रिलीज होता है टॉक्सिसिटी या क्या नाम है पता नहीं इसका मुझे, हाँ टॉक्सिक रॉक जो भी है, एंड इसको मैं दो शॉट के अंदर फाइनली हरा देता हूँ। एंड फिर इसका सेकंड पोकेमॉन रिलीज होता है ये प्राइम ऐप, जो कि भाई सब काफ़ी पावरफुल तो होता है बट मेरे पास शेडो टाइप अटैक थे, मैंने इसे दो शॉट में हरा दिया इजीली। एंड फिर इसका थर्ड पोकेमॉन रिलीज होता है लुकार, जो कि भाई मेरे पूरी टीम के लिए बैंड बजा ही देता है भाई, इतना पावरफुल होता है लौंडा, क्योंकि मैं इसको पहले एक शॉट में मारता हूँ ठीक है। फिर ये लौंडा इसमें थमता नहीं है, ये पूरे टीम को लगभग मेरे उड़ाता है, बट मैं जैसे जैसे फिनिश आउट करता हूँ। एंड फिर इसका लास्ट पोकेमॉन की मैं जैसे जैसे यहाँ से फिनिश आउट करता हूँ, भाई बहुत फटती है मेरे इनको फिनिश आउट करने में, बट मैं फिनिश आउट करता हूँ, इसके साथ एक क्यूट सी फोटो भी खिंचवा लेता हूँ। एंड आफ्टर डैट क्लिप भी आता है, इसको ले जाता है अपने साउथ। एंड क्रॉसम्पिया भी भाई बोलते हैं कि क्रॉसम्पिया ही लास्ट लीडर है उधर की टीम उसकी ठीक है, टीम जो स्टार की लास्ट मेन लीडर है यही। एंड स्कूल के यार्ड में मेरे को बुलाया है वहाँ पर जाके क्रॉसम्पिया से बैटल करने के लिए, बट उससे पहले भाई अपन को कुछ बकलोलिया भी करनी थी, कुछ पोकेमॉन खाना था, कुछ भाई साहब
आपने उनको लेवल अप करना था, तो ये सब करते मैं रह गया, बहुत टाइम गया भाई, 5 से 6 घंटा तो मैंने यही किया अभी, ठीक है। एंड उसके बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया जाऊंगा पोकेमोन लीग के लिए। यस, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए पोकेमोन लीग को कंप्लीट करना, तो हम चले गए पोकेमोन लीग के लिए। एंड यहाँ पर जाने से पहले भाई साहब अपन को कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर इस बंदे के साथ मुझे बात करना पड़ेगा। तुम मेरी टीम देख लो यहाँ पर, ठीक है, टीम देख लो, यही मेरी टीम है पोकेमोन लीग के लिए, अच्छी टीम है ना भाई, बोल देना भाई मेरे को। एंड मैंने एक आइस टाइप पोकेमोन अभी ऐड किया है, ठीक है, इसको मैंने पकड़ा है, इवॉल्व किया है आइस स्टोन से, एंड फिर मैं आ गया यहाँ से बैटल करने। एंड फिर भाई आने के बाद फर्स्ट इलाइटफुट का मेंबर मेरे को क्वेश्चन पूछता है भाई, सवाल जवाब के कटघरे में मेरे को खड़ा करता है, एंड फिर मैं सारे जवाब जैसे तैसे सही दे देता हूँ भाई, बहुत हार्ड होता है, बहुत बार गलत होता है, बट फाइनली मैं इसको सही जवाब देता हूँ। एंड फिर लौंडा मेरे को जाने देता है, एंड फिर मैं जाता हूँ इलाइटफुट के पास, एंड जाने के बाद देखता हूँ भाई यहाँ पर इलाइटफुट तो है ही नहीं, यार क्या हो रहा है यहाँ पर। बट जो भी उसके बाद रीका भाई साहब मेरे पीछे से आता है भाई, हीरोइक एंट्री, एंड इसका स्टाइल भाई मस्ती है भाई, मेरे को मस्त लगा इसका स्टाइल। एंड फिर इसके साथ मेरी बैटल शुरू हो जाती है, एंड इसका फर्स्ट पोकेमोन जो था वो था ग्राउंड टाइप, यस, ये पूरा ग्राउंड टाइप इलाइट फोर्ड है, एंड मेरा आइस टाइप उसके बाद सुपर एक्टिव होने ही वाला था, तो मैंने यहाँ पर अपने पोकेमोन को टेरा लाइट फॉर्म में लेने के लिए अपने टेरा ऑर्ब का यूज़ किया। एंड फाइनली मेरा पोकेमोन टेरा फॉर्म में आ चुका था, एंड इसके बाद भाई इसकी पावर लेवल कितनी इंक्रीज़ हो गई ये तुम सोच ही नहीं सकते, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई मेरे पोकेमोन की पावर लेवल। एंड फिर मैंने एक ही शॉट से इसे फिनिश आउट नहीं कर पाया, या काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा था, बट जो भी हो मैंने अपने स्पिक के साथ फिनिश आउट किया। एंड उसके बाद तो भाई इसके बाकी सारे पोकेमोन की तो कहर बरसने वाली थी, इस पोकेमोन की तो भाई बात ही कुछ अलग थी। फिर मैंने इसको फाइनली एक ब्रेवबर्ड से फिनिश आउट किया, 2-3 ब्रेवबर्ड लगे, एंड उसके बाद उसके बाकी सारे पोकेमोन निकल आए यहाँ पर फैन फीज जैसा पोकेमोन, एंड जिसके वजह से मैंने एक ब्लीजर्ड यूज़ किया, एंड इसको पता चल गया भाई मेरी पावर कितनी है। जो भी हो 2 शॉट में फिनिश आउट हुआ। एंड उसके बाद उसका लास्ट पोकेमोन ड्रक्ट्रियो था, जिसको भी मैंने 1 शॉट में फिनिश आउट कर दिया, लास्ट नहीं था, इसके बाद भी एक पोकेमोन था इसका, जो कि था ये छोटा सा, एंड जिसको ये भाई मेगा क्रिस्टलाइज फॉर्म में ले आता है, एंड फाइनली ये बन जाता है एक क्रिस्टल पोकेमोन तेरा पोकेमोन। एंड फिर इसको औकात दिखाने के लिए भाई साहब मैं इसे जैसे तैसे फिनिश आउट करने की ट्राई करता हूँ, बट उसी बीच मेरा पोकेमोन फिनिश आउट हो जाता है डबल एच के थ्रू। एंड जो भी हो उसके बाद मैं अपने ब्रेव वर्ड से इसे फिनिश आउट करता हूँ, एंड हम लोग जीत चुके थे फर्स्ट इलाइट फोर्स से, याद इस ग्रेट थिंग। एंड फिर ये लौंडा बुलाता है, ताली भी बजाता है, एंड देखो भाई साहब एंड फिर बुलाता है भाई दूसरे मेंबर को इलाइट फोर के, जो कि छोटी बच्ची होती है, मैं देख के भाई सच में शौक आता हूँ, सच में छोटी बच्ची ही है भाई इलाइट फोर के दूसरी मेंबर, तो जो भी है। एंड उसके बाद ये अपने पोकेमोन निकालना शुरू करती है भाई साहब, एंड इसका भाई फर्स्ट पोकेमोन ही एक हाथी होता है, भाई साहब क्या पोकेमोन लाते हो आप। बट जो भी हो इसको मैं अपने पोकेमोन को टेरा फॉर्म में पहले मैं लाता हूँ भाई, टेरा फॉर्म में आ जाओ, एंड उसके बाद दिखाएंगे इसके उसके असली औकात। एंड हाथी भाई साहब जो भी है पोकेमोन, बट ये अपना पोकेमोन फाइनली टेरा फॉर्म में आता है, एंड फिर उसके हाथी को अपने फ्लेम थ्रोअर से फिनिश आउट करने के लिए फ्लेम थ्रोअर रिलीज करता है, एक ही शॉट में उसका हाथी फिनिश। स्टील टाइप थी भाई, ये थी एंड स्टील टाइप के ऊपर तो पता है फायर टाइप कैसे लगता है, तुम्हें भी पता है, तुम इतना नादान तो नहीं होगे। तो या दो पोकेमोन को इसको मैं जैसे तैसे हराता हूँ। थर्ड पोकेमोन जो इसका होता है उसको मैं बहुत इजी तरीके से अपने फायर ब्लास्ट के साथ, फायर ब्लास्ट नहीं था ये हीट वेव था, इसके साथ बीट करता हूँ। एंड फिर इसका फोर्थ पोकेमोन भाई ये पावरफुल था भाई, मानना पड़ेगा, एक शॉट में डिफीट नहीं हुआ, 2 शॉट में डिफीट हुआ भाई बंदा। एंड आफ्टर दैट उसका लास्ट पोकेमोन आ जाता है यहाँ से, एंड ये इस पोकेमोन को क्रिस्टलाइज भी करने के लिए अपना ये टेरा ऑर्ब छोड़ दिया, एंड फाइनली ये पोकेमोन अपने टेरा फॉर्म में चला आता है, जो कि स्टील टाइप का था प्योर, एंड इसके सर पर जो एक्स लगी हुई ना बहुत ज़्यादा मस्त लग रही थी। एंड फिर भाई साहब हम अपने सर से आग निकालने की तैयारी कर देते हैं, एक सर से निकलती है आग, एंड फिर होता है भाई एक ही शॉट के अंदर कहर नहीं बट जो भी हो जैसे तैसे मैं इसे फिनिश आउट करता हूँ। एंड आफ्टर दैट भाई से कास्ट जब टूटता है ना फिर से सेटिस्फेक्शन मिलती है भाई, इतना हार्ड था इसको हराना। बट जो भी हो ये बंदी हार जाती है, एंड ये नेक्स्ट बंदे बुलाती है, एंड ये नेक्स्ट वाला होता है ये लौंडा, ये लौंडा भाई नॉर्मल जिम का ट्रेनर, इससे मैं ऑलरेडी बैटल कर चुका हूँ, बट पता नहीं ये लाइट फोन में वापस क्या कर रहा है लौंडा भाई। पहले इसके साथ मतलब ये पहले मेरे साथ मजाक कर रहा था भाई, बट जो भी हो इसका भाई पहला वो निकलता है लीफ वाला, एंड या इसको मैं इजीली फिनिश आउट कर सकता हूँ एक ही शॉट में, मतलब ये फ्लाइंग टाइप का था लाइट फोर। तो उसके बाद मैं अपने रॉक पोकेमोन को निकालता हूँ इसको फिनिश आउट करने के लिए, एंड इसके लिए अपना ये पोकेमोन निकालता है। बट भाई अपने सामने इसके औकात ही क्या है। हाँ भाई देखिए एनिमे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई गया है, बट भाई साहब अपने सामने इसके औकात ही क्या है, हम ना एक ही अटैक करते हैं एंड इसकी फिनिश आउट करते हैं इसको। एंड फिर इसका थर्ड पोकेमोन आता है, जो कि मैं एक बार अटैक करते हैं बट ज़्यादा डैमेज नहीं होता, बट भाई अपने अटैक का डैमेज तुम्हें पता ही है ना, मैं जादूगर भाई बाजी करूँ मैं। एंड एक शॉट में इसे फिनिश आउट कर दिया। एंड आफ्टर दैट इसका फोर्थ पोकेमोन की बारी थी फिलहाल, एंड इसका फोर्थ पोकेमोन निकलता है छुटको सा, जिसको मैं एक शॉट में फिनिश आउट करता हूँ पिद्दू को। एंड फिर इसका लास्ट पोकेमोन की बारी थी अभी,
क्योंकि ये था, एंड फिर ये इसको क्रिस्टलाइज भी कर देता है भाई लॉन्डे को, खुशी मिलती है दिल से इसको क्रिस्टलाइज करके। बट आफ्टर डैट हम भी कम थोड़ी थे भाई, इसका ब्रेवर्ड हमको लगा एंड फिर हमने भी अपना ब्रेवर्ड का अटैक, ब्रेवर्ड थोड़ी बोल स्विच किया एंड इसको फिनिश आउट कर दिया। एंड जो भी हो भाई साहब, ये सीन काफ़ी मस्त लग रहा था जब ये टूटा ना, दिल से सेटिस्फेक्शन मिल गई। एंड उसके बाद अभी बारी था इलाइट फोर के फोर्थ मेंबर का, जो कि भाई साहब ये लौंडा था एंड ये लुकिंग में काफ़ी ज़्यादा ही ऑसम था, मेरे को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल ये बंदा लगा। एंड इसका फर्स्ट पोकेमॉन था भाई भाई नाइवन, जो कि ड्रैगन टाइप का था, मैं समझ गया इसकी टाइपिंग क्या होने वाली थी, ड्रैगन होने वाली थी। तो इसके फर्स्ट पोकेमॉन को वन शॉट में निपटाया, फिर मैंने निकाल लिया अपने आइस टाइप पोकेमॉन को सबको बीट करने के लिए, ठीक है। एंड भाई साहब इसका ये पोकेमॉन तो कूल लग रहा था मेरे को, बट मैंने शाइनिंग किया अपने पोकेमॉन को एंड फिर एक अटैक से इसको फिनिश आउट नहीं कर पाया, तो भाई दूसरा अटैक से इसको फिनिश आउट कर दिया हमने। एंड आफ्टर डैट इसका थर्ड पोकेमॉन को तो भाई हम एक ही शॉट में फिनिश आउट नहीं कर पाते, वापस से भाई साहब ये मेरे को पोकेमॉन को निपटा डालता है एंड फिर वापस से ये टूट जाता है भाई। फर्स्ट बैटल में टूटा, दूसरे बैटल में मर गया भाई बेचारा। बट जो भी उसके बाद हम ब्रेयर बर्ड से इसको फिनिश आउट करते हैं एंड फिर अभी आता है इसका लास्ट पोकेमॉन का, एंड ये इसको सनशाइन भी कराने के लिए भाई साहब यहाँ पर अपना टेरा और फेंकता है। एंड भाई ये ड्रैगन टाइप में कितना ऑसम लग रहा है, एंड ये न्यू स्पेशल लेजेंडरी पोकेमॉन है बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें। एंड इसको हटाने के लिए मैं भेजता हूँ अपने क्रोकोडाइल को, एंड फिर भाई सब क्या ही था, क्रोकोडाइल नहीं भाई देव इसका नाम जो भी है, मुझे इसका नाम भूल गया मैं, ठीक है। एंड ओके स्केलेड ये इसका नाम है। एंड फिर ये भाई साहब अपने शॉट के साथ से फिनिश आउट करता है, यार पावरफुल होते यार ये पोकेमॉन। एंड जो भी हो इसने भाई देव मेरी पूरी टीम को लंका लगा दी थी, बट या मैंने इसको फाइनली अपने इस पोकेमॉन के साथ फिनिश आउट कर दिया। एंड उसके बाद भाई इसका टेरा ऑफ जो टूटता है ना भाई, कितना ऑसम लगता है यार ये। एंड फिर फाइनली हम लोग इलाइट फोर को यहाँ से हरा चुके थे, सब हमको कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे थे, ये भी खुश थी भाई, ये लौंडा भी खुश था, बट ये रो रहा था खुशी के मारे भाई, वंडरफुल आई जस्ट प्राउड ऑफ यू। एंड फिर हमको ये बोलते हैं भाई तुम अभी जाओ चैम्पियन को हराओ, एंड टॉप चैम्पियन में पता है कौन है भाई, गीता थी टॉप चैम्पियन। तो फिर हम लोग बोलते हैं भाई गीता को हराने, एंड यहाँ पर भाई साहब गीता खड़ी हुई थी द टॉप चैम्पियन ऑफ पैले रीजन, हम लोग इसको हराने के लिए यहाँ पर आ गए। एंड फिर भाई इसकी हीरोइक एंट्री, एंड या उसके बाद इसके साथ हमारी बैटल भी शुरू हो गई थी। एंड इसका फर्स्ट पोकेमॉन ये था साइकिक टाइप का, फिर भाई साहब हमने इसको एक ही शैडो बॉल यूज़ की एंड इसकी लंका लगा दी। एंड आफ्टर डैट इसका सेकेंड पोकेमॉन निकलता है आइस टाइप का, एंड इसकी भी हम लोग इजीली लंका लगा ही सकते हैं भाई साहब, आइस टाइप क्या ही हमारे लिए। इसके दो पोकेमॉन इजीली हराने के बाद इसका थर्ड पोकेमॉन निकलता है, एंड भाई साहब मुझे लगा था ये बहुत स्ट्रांग होगा, ये डार्क टाइप वैसे भी हो जाता है, बट फाइनली जो भी हुआ मैंने अपने ओवर हीट के यूज़ किया यहाँ से, एंड इसको भाई साहब एक शॉट ऑफ फिनिश आउट नहीं कर पाया। एंड इसकी अटैक देखो इतना पावरफुल है भाई, एक शॉट इसने मैंने फिनिश आउट कर दिया भाई साहब, कितना पावरफुल है पोकेमॉन। बट जो भी हो उस बार मैंने अपने पिगी को निकाला, अपने मैक्स रिवाइव से भाई साहब अपने इस क्रोकोडाइल को भी रिवाइव दे दिया, जो भी है इसका नाम तुम भूल जाओ, जो भी पोकेमॉन का नाम था मैं भूल गया इसको भी। और जो भी हो इसको रिवाइव करने के बाद भाई इससे ही वापस से मैं इसे फिनिश आउट करता हूँ। एंड फिर अच्छा इसका फिश पोकेमॉन जिसको मैं एक शॉट तो नहीं, बट याद जैसे तैसे मैं इसको फिनिश आउट करने की ट्राई करता, बट मेरा ये पंछी को खर्च करता है। एंड लास्ट ऑफ दी मैं इसको फिनिश आउट करता हूँ, इसका लास्ट पोकेमॉन को तो भाई साहब ख़त्म। एंड हाँ सॉरी, ये इसका लास्ट पोकेमॉन है। एंड ये पोकेमॉन काफ़ी अजीब दिख रहा था भाई, ये रॉक टाइप में अब तब्दील होता है, एंड फिर ये अपने अटैक से अपने हमको थोड़ा बहुत डैमेज देता है, पूरा आधा ही ले जाता है। बट जो भी हो हम भी इसको मारते हैं, बट अपना अटैक का डैमेज नहीं हो रहा था। बट बाय द वे जो भी हो अपने इस पोकेमॉन को लास्ट में इसको हरा दिया, एंड इसका क्रिस्टल टूट जाता है यहाँ से। एंड वो गाइस फाइनली मैं जीत चुका था, एंड मैं बन चुका था ऐसा चैम्पियन, एंड सब लोग मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करने आए थे कि भाई साहब तू बन चुका है चैम्पियन भाई, न्यू चैम्पियन हूँ मैं इधर का पैल्डे रीजन का। सब बहुत ज़्यादा खुश थे, नहीं भाई रो रो के अमेजिंग बोल रहा है भाई, कितना मैं खुश था। एंड फिर जब मैं बाहर आया ना यहाँ से, फिर भी मेरे को पता चलता है कि भाई साहब और एक लौंडिया भी चैम्पियन बन चुकी है, मतलब मैं चैम्पियन हूँ एंड ये लौंडिया भी चैम्पियन है। एंड फिर क्या था भाई, ये मेरे को बोलते भाई हम लोग बैटल करेंगे अपने एकेडमी वाले जगह पे आ जाना, एकेडमी के पास वाले जगह पे। एंड फिर इसके बाद ये लौंडिया यहाँ से निकल जाती है, एंड ये मेरे वहाँ पर वेट भी करेगी, चलो कोई बात नहीं कर लेना वेट। बट उससे पहले मुझे इस बंदे को भी हराना है, बिकॉज मुझे द ग्रेट क्रेट ऑफ पैलडे में जाना है क्या भाई। एंड अभी भाई इससे बदला लेने का वक्त आ चुका है, जिस भाई इसके एक पोकेमॉन ने अब तो पूरी टीम को निपटा डाला था, तो अभी तो इसको हराना तो बनता ही है ना भाई, अपन आ जाते अपने पोकेमॉन के साथ। एंड फिर एक शॉट में इसके एक पोकेमॉन खड़ाते हैं, एक नहीं भाई बहुत मेहनत लगता है। एंड इसका दूसरा पोकेमॉन तो भाई साहब जैसे तैसे भाई एच पी ज़्यादा था इसका, एंड इसके अटैक की डैमेज देख रहे हो इतनी हाई थी, और जो भी हमने इसको जैसे तैसे यहाँ से फिनिश आउट किया। एंड आफ्टर डैट इसका थर्ड पोकेमॉन आने वाला था, इसके लिए हमने अपने इस पोकेमॉन को रिलीज़ किया। एंड भाई साहब इस बार इसको अपनी औकात दिखाने के लिए मैं आ गया, एंड इसके अटैक के डैमेज मेरे पर थोड़ी बहुत पड़ रही थी, बट हमारी अटैक क्या भाई, एक ही शॉट में भाई इसका लंका लगा दी।
बट जो भी हो, बाद में जैसे तैसे इसको आइस क्रीम से फिनिश आउट किया हमने, एंड आफ्टर दैट इसका जो फोर्थ पोकेमॉन होता है इसको भी हम लोग इजीली वन शॉटली फिनिश आउट कर देते हैं। एंड इसका फिफ्थ पोकेमॉन ये वाला था जिसको उसने रिकवर किया था, ये डार्क टाइप में बदल जाता है भाई, डार्क टाइप हमारे ऊपर सुपर इफेक्टिव। बट कोई बात नहीं भाई, तुम करो अटैक हमें करो फिनिश। बट भाई साहब जब अपनी बारी आएगी ना, अपना टाइम आएगा तब भाई इसको इसके औकात दिखाने में एक मिनट भी नहीं लगेगा। एंड फाइनली इसको हमने फिनिश आउट किया यहाँ से। एंड फिर अर्बन मुझे बोलता है कि भाई इसे और दो चैंपियन लेवल ट्रेनर की ज़रूरत है, एंड फिर ये निकल जाता है। एंड जब उसे चैंपियन लेवल के ट्रेनर मिल जाएंगे ये मेरे को बता देगा। एंड फिर हमारा पाथ ऑफ लेजेंड्स का यहाँ से कंप्लीट हो जाता है मिशन, जो कि हमने शुरू किया था बहुत देर पहले। एंड फिर इसके बाद मैं एकेडमी आ जाता हूँ क्रासम्पिया को ढूंढने, या वही हैकर जिसने मेरा फ़ोन हैक किया था चार बजे इसको हराने के लिए अपन को राज्य किया था। फिर मुझे यहाँ पर क्लिप मिलता है भाई, एंड क्लिप भाई लौंडा यहाँ से था। मैं सोचे क्लिप यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, एंड फिर मैं बोलता हूँ भाई अब तुम डायरेक्ट क्लिप है क्लिप। एंड फिर भाई इतना यहाँ पर पोशाक उतारता है, पता चलता है भाई लौंडा तो डायरेक्ट क्लिप है या जो भी नाम था इसका, ये सॉरी क्लिप, हाँ डायरेक्ट क्लिप है। एंड फिर पता चलता है भाई ये तो भाई क्रॉसम्पिया बोलते हैं अपने आप को, ठीक है। एंड फिर मैं सोचती हूँ ये क्रॉसम्पिया है भाई उस टीम स्टार का बॉस। फिर भाई से इसकी बैटल शुरू हो जाती है मेरे साथ उसके साथ, ठीक है। एंड इसका फर्स्ट पोकेमॉन तो भाई पावरफुल था, बट जो भी हो ऑरेंज गुरु भाई साहब मेरे सामने तुम कितने ताकतवरी हो गए, ठीक है। इसको हराया मैंने फर्स्ट पोकेमॉन को, एंड इसके सेकंड पोकेमॉन को भी हमने वन शॉट कर दिया। फिर इसका थर्ड पोकेमॉन जो आता है भाई ये भी इतने ताकतवर नहीं था हमारे सामने, तो इसको भी हमने इजीली वन शॉट यहाँ से कर दिया। एंड फिर जैसे जैसे उसके लास्ट पोकेमॉन को भी, मतलब हाँ लास्ट पोकेमॉन नहीं था, पता नहीं कौन सा पोकेमॉन था, छोटा और छोटा था, मैंने इसको हराया। उसके बाद इसका लास्ट पोकेमॉन यहाँ से रिलीज होता है शायू का भाई इवोल्यूशन रूप सबसे खतरनाक वाला। तो भाई साहब इसके क्रिस्टलाइज भी करता है, एंड ये पोकेमॉन भाई दिखने में इतना ओपी लग रहा था, बिल्कुल मोर की तरह लग रहा है भाई इसका डांस, ठीक है मोर डांस लग रहा है इसका। एंड जब ये अटैक कर रहा है तब तो ये और भी ऑसम दिखता है भाई। जब देखो मैंने अब तो उसके ऊपर ब्रेव बर्ड यहाँ से यूज़ किया, बट उसका जो मूव होता है वो इतना ज़्यादा ऑसम लगता है भाई जब अटैक करते लौंडा। देखो क्या भाई साहब क्या ही ऑसम तरीके से अटैक करता है ये। एंड इसका अटैक का डैमेज भी भाई साहब बहुत ओपी था। बट जो भी हो हमारे अटैक के सामने भाई ये क्या ही है, हमने इसे फाइनली इसे फिनिश कर दिया। एंड फिर जब ये टूटता है भाई क्रिस्टल, बहुत ऑसम लगता है ये। एंड फिर भाई ये मेरे को बोलते हैं कि ये क्रॉसम्पिया नहीं है, क्रॉसम्पिया तो स्कूल के यार्ड में है एकेडमिया के, तुम जाओ इसे हरा दो। भाई झूठ क्यों बोला पहले इसने मेरे को, मुझे ये समझ नहीं आया। बट उसके बाद मेरे को बताते क्रॉसम्पिया, एंड ये क्रॉसम्पिया कोई और नहीं अपने पैनी ही थी जिसको हमने स्टार्टिंग में बचाया था। एंड इसने ये टीम क्रिएट किया था, एंड इसको इन सारे मेंबर्स को हराना था फिलहाल, एंड इनको मुक्ति देना था इन सब चीज़ों से। बट जो भी हो हम सोचते भाई अभी हम इसको हराएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद मेरी और क्रॉसम्पिया मतलब हाँ पैनी की बैटल शुरू हो जाती है, एंड ये भाई साहब लीडर थी उसकी। एंड फाइनली उसके बाद इसके अपने पोकेमॉन निकालते हैं। इसके बाद पता है ईवी का सेट था पूरा भाई, सारे ईवी के एवोल्यूशन इसके पास ही पता नहीं दुनिया में इससे कलेक्ट किए थे। एंड फिर जैसे जैसे इसका फर्स्ट पोकेमॉन का आता है सेकंड पोकेमॉन का आता है, ऐसे ही करते करते मैं इसका लास्ट पोकेमॉन तक भी आता था ईवी का पूरा सेट को हराते हराते। एंड फिर मैं इसका लास्ट पोकेमॉन को हरा देता हूँ जैसे तैसे। एंड आफ्टर दैट ये टूटता है इसका शाइनिंग क्रिस्टल, कितना मजा आता है देखने में। एंड फिर अपना जो डायरेक्टर होता है वो सब लौंडों को बुलाता है इसके टीम के, एंड इनको बोलता है भाई इन्होंने जो वो किया ना नौटंकी केस के थ्रू इनको अभी पनिशमेंट मिलेगी एकेडमिया से। एंड इसको एक ग्रुप बना के देता है जिनका नाम है स्टार ट्रेनिंग सेंटर, एंड जिसको इनको दूसरे बंदों को अभी अभी ट्रेनिंग करना पड़ेगा इनको, ठीक है दूसरे बंदों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट भाई साहब सब कुछ ठीक होने लगता है, ये बंदे भी भाई जोश में आ जाते हैं कि बिकॉज इनकी टीम खत्म हो रही थी, इनको पनिशमेंट के थ्रू इतना अच्छा चीज़ मिला था। एंड फिर हम लोग का स्टार फुल स्ट्रीट का यहाँ से मिशन कम्प्लीट हो जाता है। अभी था भाई साहब अपना विक्ट्री रोड का मिशन कंप्लीट करना, बिकॉज वो अभी तक नहीं हुआ था, एंड वो अभी होने वाला था चैंपियन को हरा के। या ये लौंडा भी चैंपियन बन चुकी थी, बट अभी हम लोग भी चैंपियन है ना, तो अभी इसको हमें हराना पड़ेगा। फिर भाई इसके साथ हमें बैटल शुरू होने की से पहले ही सब लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए देखने चैंपियन लेवल दो ट्रेनर की बैटल। एंड भाई साहब यहाँ पर भाई साहब गीता भी थी चैंपियन, टॉप चैंपियन, समझ रहा हूँ कितना हाई लेवल की ये मैच होने वाली है। फिर हम दोनों की बैटल यहाँ से शुरू होती है, एंड इसका फर्स्ट पोकेमॉन निकलने से पहले भाई इसका जो रूप था ना बहुत खतरनाक था। एंड फिर इसका फर्स्ट पोकेमॉन निकलता है, एंड जो कि भाई साहब ये रॉक रूप का एवोल्यूशन रूप था, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी पोकेमॉन है, तू बस तू मेरे हाथ से हारना चाहिए जस्ट। एंड फिर मैं जैसे तैसे इसको डैमेज करता हूँ, एंड फिर इसको हरा भी देता हूँ, ठीक है। एंड फिर भाई इसका सेकंड पोकेमॉन जो होता है इसको मैं जैसे तैसे हराता हूँ। एंड फिर इसका थर्ड पोकेमॉन होता है जिसको तो भाई साहब मैं बहुत गंदी तरीके से पीटता हूँ। एंड फिर इसका फोर्थ पोकेमॉन फिनिश आउट जल के मारे मैंने अग्नि पर। एंड उसके बाद इसका फिफ्थ पोकेमॉन जो होता है तो ये होता है भाई साहब, एंड फिफ्थ नहीं है इसके फाइनल पोकेमॉन था इसका। एंड फिर भाई साहब दोनों क्रिस्टलाइज कर लेते अपने पोकेमॉन को, एंड ये होता है लेजेंडरी फाइट। बट भाई साहब क्या ही लेजेंडरी फाइट, इसके अटैक में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे थे।
एंड मेरे अटैक तो तुम जानते ही हो भाई साहब, कहर बरसाने के लिए काफ़ी है। मेरा फ्लेम थ्रोअर नहीं है, क्या है भाई जो भी हीट वेव। हाँ फाइनली मैंने इसको एक हीट वेव के साथ फिनिश आउट किया एंड इसके भाई क्रिस्टल जब टूटे भाई दिल से सुकून मिला हमें। एंड फिर हमें इसका भाई रोते हुए देखा एंड फिर मैं सोचा ये रो क्यों रही है भाई, ये हार गई भाई, ये डिसअपॉइंटेड है क्या भाई साहब। बट सब लोग सोचे थे भाई ये क्या हो गया, ये रो क्यों रही है। एंड अचानक ही ये लॉन्डिया रोते रोते यहाँ पर मेरी तरफ यू बोलती है एंड क्या हंसना शुरू करती है। एंड फिर मुझे पता चली एक लड़की एंड हम इसको कभी नहीं समझ सकते, ठीक है। पता नहीं रोते रोते अचानक हंसना शुरू करती है भाई, जो भी हो ये मेरे लिए खुश थी, मैं इसका स्ट्रॉन्गर हूँ। एंड दूसरे दिन बैटल के लिए भी बोलती है कि हम दोबारा कभी बैटल करेंगे। एंड फिर हम दोनों यहाँ से हाथ भी मिलाते हैं। या इसको भाई साहब बोलते हैं रियल ट्रेनर, जो कि हारने के बाद भी भाई भरोसा लगता है कि नहीं इसको हम एक दिन हराएंगे, गुस्सा नहीं होता ज़्यादातर। एंड ये काफ़ी मस्ती है। एंड उसके बाद हमारी यहाँ से विक्ट्री रोड की जो यहाँ पर जो मिशन थी ना भाई, वो यहाँ से कंप्लीट हो जाती है फाइनली भाई। इतने टाइम बाद विक्ट्री रोड की मिशन कंप्लीट हुई थी एंड मेरे को गेम कंप्लीट करने में तो एक से दो दिन लग गया था। एंड आफ्टर डेट हमें यहाँ से कॉल आता है इस लॉन्डे का, मेरे दोस्त का, ठीक है, अर्बन का, जो कि मेरे को बोलता है द ग्रेट गेट ऑफ पैल्डिया के गेट में आने को। एंड फिर भाई साहब क्या ही था, ये वेट कर रहा है हमारे लिए। तो हम लोग भाई यहाँ से लोकेशन यहाँ से तांग लेते हैं कि हमें यहाँ पर जाना है, ठीक है। एंड फिर मैं अपने मिराइडोन की पीठ में उठ के चल पड़ता हूँ एंड यहाँ पर मैं आ जाता हूँ द ग्रेट ग्रेट ऑफ पैल्डिया के गेट पर, जहाँ पर मिलता है मेरे को भाई साहब ये ऑसम स्ट्रक्चर। एंड फिर फाइनली हमारा और एक मिशन शुरू हो जाता है, द वे ऑफ होम, ना सॉरी द वे होम, ठीक है, हमें घर लाना है। पता नहीं भाई क्यों मिशन था इसका नाम ये वैसे पड़ा, बट क्या इसने दो चैंपियन लेवल के जो ट्रेनर को ढूंढा था वो निमोना एंड पैनी थी। एंड फिर प्रोफेसर का बोला था एंड मुझे बोलते कि यहाँ से जाने को, ठीक है हमें। एंड फिर हम यहाँ से निकल पड़ते एंड फिर हम लोग यहाँ पर आते भाई, नीचे कैसे जाएंगे अपन लोग। एंड फिर अपना मिराइडन को अपन लोग निकालते हैं, मैं निकालता हूँ वैसे। एंड उसके बाद मिराइडन डर रहा होता है यहाँ से जाने को, बट भाई अपना ये लौंडा भाई मिराइडन के बारे में काफ़ी जानता है, ये बैठता है एंड इसे पकड़ता है हैंडल। एंड फिर भाई ये लौंडा भी पीछे बैठ जाती है इसके एंड फिर इसके पीछे पैनी भी। एंड उसके बाद अपना हरामी मिराइडन अपन को बिना लिए नीचे उतर जाने लगता है, बट जो भी हो एंड ऑफ द टाइम मैं इनके हाथों को पकड़ता हूँ एंड हम लोग यहाँ से चलते हैं। एंड भाई साहब उसके बाद जैसे जैसे मैं ऊपर बैठता हूँ भाई, अगर मैं गिर जाता भाई मिराइडन भाई तो कुछ तो शर्म कर लेता, इतने दिन तेरे को पाला था मेरे को मारने के लिए क्या। बट जो भी उसके बाद हम आ जाते यहाँ पर नीचे एंड भाई ये जगह तो यार जन्नत से भी ज़्यादा सुंदर थी भाई, कितना क्यूट है भाई ये जगह, देखो भाई कितना ब्यूटीफुल क्यूट भाई, सब सब लव से इस जगह के लिए बना है भाई, खूबसूरत भाई सब लव से इस जगह के लिए बना है। एंड आफ्टर डैट लोग फाइनली आ जाते हैं नीचे एंड नीचे आने के बाद अपने मिराइडन को होने लगते सस्ते सदमे, ये भाई डर जाता है, पता नहीं इसको डर लगता है ऊपर से जब नीचे आता है उसके बीच एंड पोकल में घुस जाता है। एंड उसके बाद प्रोफेसर का कॉल आता है, बोलता है भाई इधर पे हर एक जगह पे एक लैब मिलेगा तुम्हें, रिसर्च लैब, जहाँ पर तुम्हें एक की डालना पड़ेगा एंड तुम नेक्स्ट रिसर्च लैब में जाओगे, काफ़ी सारे 5-6 रिसर्चर होंगे एंड हमें अपना वे किस बनाना पड़ेगा अपना इधर पे एंड फिर हमें नीचे आना पड़ेगा प्रोफेसर के फाइनल लैब तक। एंड फिर हम ऐसे करते करते 5-6 लैब तक आते हैं एंड यहाँ पर फाइनली हर लैब में हमें इस तरीके से अपने एक पासपोर्ट डालना पड़ता है, जो कि प्रोफेसर हमें बोल के देते हैं। एंड उसके बाद ऐसे तैसे करते करते हम लोग आ जाते हैं प्रोफेसर के फाइनल लैब के सामने, ठीक है, जहाँ पर भाई सब काफ़ी ओपी लुकिंग थी। एंड यहाँ पर भाई साहब हमें और एक पासपोर्ट डालना था, बट उससे पहले अपने मिराइडन को निकालते हैं बिकॉज प्रोफेसर ने बोला था यहाँ पर कुछ डेंजर पोकेमॉन्स आने वाले हैं। एंड जब भी हम मिराइडन को निकालते हैं एंड यहाँ पर डेंजर पोकेमॉन्स बाहर निकल गए थे, बट उसी बीच अचानक ऊपर मेरे को एक और एक मिराइडन दिखता है। एंड ये लौंडा जब भी नीचे आता है भाई ये अपने बैटल फॉर्म में होता है, जो कि देखिए मैं चौंक जाता हूँ भाई, एक गेम में दो दो लेजेंडरी कैसे हो सकते हैं। बट जो भी हो ये मिराइडन अपने मिराइडन के पास आता है, मेरा मिराइडन को डरा देता है भाई एक रॉड से ये। एंड फिर इतने में थमता नहीं है भाई ये मेरे मिराइडोन की ओर भाई, अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है एंड अपने मिराइडोन के ऊपर अटैक कर ही रहा होता है कि भाई ऊपर ये दरवाज़ा खुल जाता है एंड ये मिराइडोन इस दरवाजे के अंदर चला जाता है एंड हमें तब देखता है एंड निकल लेता है भाई ये लौंडा। अपने मिराइडोन काफ़ी डर चुका था, बट फिर क्या होता है इस दरवाजे से भाई कुछ खतरनाक पोकेमॉन निकलते हैं एंड भाई एक पता नहीं रोबोटिक पोकेमॉन थे जो कि हमें हर तरफ से घेर लेते हैं। एंड फिर हमें क्या था भाई, हमें एक एक करके इन सब पोकेमॉन से निपटना तो था, फिर हमने जैसा तैसे इन सारे पोकेमॉन को एक एक करके यहाँ से बीट किया एंड हम निकल के प्रोफेसर की लैब की ओर, ठीक है। एंड यहाँ पर लैब में भाई साहब काफ़ी अजीब लग रहा था एंड उसी बीच मैंने इससे वायलेट बुक ले लिया था अर्बन सिटी के, उसने मेरे को वायलेट बुक दे दिया था। बट जब मेरे को यहाँ पर आते प्रोफेसर भाई बोलते हैं कि एक ह्यूमन प्रेजेंट डिटेक्टेड, मैं सोचता भाई ह्यूमन प्रेजेंट डिटेक्टेड ये ह्यूमन नहीं है क्या। एंड उसी बीच भाई पता नहीं प्रोफेसर यहाँ से मुरझाए हुए होते हैं एंड उनका भाई स्लीप मोड डीएक्टिवेट होता है एंड मैं सोचता हूँ स्लीप मोड डीएक्टिवेट भाई ये क्या है। एंड फिर इनकी आँखों से भाई कुछ रोशनी निकलती है एंड उसके बाद पता चलता है हेलो एलेक्स थैंक्स फॉर कमिंग बोलता है एंड फिर
ये मिराइडोन आ रहा होता है हमारे पर अटैक करने, बट प्रोफेसर अपने मास्टर बॉल से इस मिराइडोन को अपने बॉल में घुसा देते हैं। फिर मेरे को पता चलता है ये प्रोफेसर का मिराइडोन है, एंड फिर ये बोलते हैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है प्रोफेसर के, मतलब AI है। एंड इसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि रियल प्रोफेसर जो है वो एक मतलब ब्लास्ट या डिस्ट्रक्शन में मारे गए थे, इंजरी हो गए थे एंड उसके बाद वो मारे गए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट भाई हमें यहाँ से पता चलता है कि ये अब जीरो लैब को संभाल रहे हैं। उसके बाद भाई एक टाइम मशीन है जिसको हमें यहाँ से बंद करना है वायलेट बुक के साथ, एंड जो कि अर्बन ने मेरे को दे दिया ऑलरेडी। एंड आफ्टर दैट हम लोग ऐसे बात कर रहे थे एंड पता चलता है कि वो टाइम मशीन फ्यूचर पोकेमॉन को यहाँ पर ला रहा है, ठीक है, एंड जिसको हमें रोकना है फिलहाल। एंड फ्यूचर पोकेमॉन को रोकने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं टाइम मशीन को बंद करने के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पर भाई सब टाइम मशीन कितना ज़्यादा ऑसम था, यानी रूम तुम देख रहे हो क्रिस्टलाइज कितना खतरनाक है भाई। एंड फिर बोलते हैं यहाँ पर एक टाइम मशीन हमें रोकने के लिए वायलेट बुक डालना पड़ेगा, बट यहाँ पर एक इशू है, जब हम टाइम मशीन को रोकने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर हमारे ऊपर हमला कर देंगे हमें मारने के लिए। एंड ये उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्रामिंग है जिसके खातिर उनको हमें अटैक करना ही पड़ेगा, मतलब हाँ उनको हमारे ऊपर अटैक करना ही पड़ेगा। एंड फिर हम यहाँ पर वायलेट बुक को भर देते हैं जैसे तैसे। एंड आफ्टर दैट प्रोफेसर पीछे खड़े तुम देखो कि सब कुछ भाई देख के प्रोफेसर गुस्सा हो जाता है एंड बोलते हैं एलेक्स अभी टाइम आ चुका है, एंड का स्लीप मोड डीएक्टिवेट हो जाता है। एंड जाते जाते बोलते हैं प्लीज़ डिफीट मी, एंड फिर भाई साहब ये आ जाते हैं फाइनली अपने स्लीप मोड पे। एंड ये भाई साहब कोई और उनको कंट्रोल कर रहा है, प्रोग्राम पूरा उनको कंट्रोल कर रहा होता है फिलहाल। एंड उसके बाद प्रोफेसर से हमारी यहाँ से बैटल शुरू हो जाती है। प्रोफेसर की फर्स्ट पोकेमॉन यहाँ से निकलती है, कुछ मेटल का पोकेमॉन आयरन कुछ है, आयरन बी या जो भी है, जिसको भाई साहब मैंने एक ही अटैक से मार दिया जैसे तैसे। एंड फिर उनका सेकेंड पोकेमॉन आता है जो कि होता है आयरन थॉर्न, जिसको भी मैं जैसे तैसे यहाँ से फिनिश आउट करता हूँ। एंड फिर इसका फाइल थर्ड पोकेमॉन आता है जिसको भी मैं फिनिश आउट करता हूँ भाई एक फ्लेम थ्रोअर के साथ। एंड फिर उसका भाई फोर्थ पोकेमॉन जिसको मैं फिनिश आउट करता हूँ, एंड ये सारे पोकेमॉन काफ़ी अजीब नहीं दिख रहे तुम्हें। एंड उसका फिफ्थ पोकेमॉन जो था वो ये छुटको सा पिद्दी सा पोकेमॉन था जिसको मैं फिनिश आउट करता हूँ। एंड उसके बाद उनका लास्ट पोकेमॉन निकलता है जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, आयरन ब्लेड। एंड फिर फाइनली मैं उसे शैडो बॉल के साथ फिनिश आउट करता हूँ। एंड जैसे जैसे मैं प्रोफेसर को यहाँ से हरा देता हूँ, एंड उसी बीच भाई साहब मेरे दोस्त भी यहाँ पर पधार देते हैं तुम देखो। एंड फिर उसके बाद भाई ये लोग बोलते हैं भाई मेरे डैड को क्या हो गया, लौंडा बोलता है, बट जैसे जैसे इसको पता चलता है कि डैड ने इसके AI हैं। एंड उसके बाद ये बोलता है कि भाई साहब यहाँ से निकल लो बिकॉज भाई यहाँ पर कुछ खतरनाक होने वाला है। एंड फिर ये अपने पोकेमॉन निकालते हैं एंड अपने मिराइडोन को यहाँ से भाई साहब बाहर निकाल देते हैं अपने पोकेमॉन से, मतलब हाँ पोकेबॉल से। एंड फिर हम अपने पोकेमॉन को बाहर तो निकालते हैं बट अपना पोकेबॉल पता नहीं लॉक लग जाता है। एंड फिर निमोना भी हमें बोलती है कि भाई साहब यहाँ से जो पोकेबॉल्स हैं ना वो यूज़ नहीं हो रहे इन बैटल में। एंड फिर भाई मैं समझ जाता हूँ कि मिराइडोन ही हमें यहाँ से जिता सकता है, तो भाई अपने मिराइडोन को मैं स्विच करने के लिए पर बिल्कुल रेडी था। एंड फिर भाई मैं अपने मिराइडोन को भाई बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, एंड फिर भाई लेजेंडरी प्रेजेंस हर तरफ से फैल जाती है बिकॉज मेरा मिराइडोन फाइनली पोकेबॉल के अंदर से रिस्पॉन्स करता है कि भाई वो बाहर नहीं चाहता है। एंड फिर अपन को क्या था भाई साहब इस घटिया मिराइडोन के अगेंस्ट मैंने अपने मिराइडोन को फेंका, एंड आफ्टर ऑल ये आ गया बाहर, बट ये अपने बैटल फॉर्म में नहीं था। बट फिर हमने इसको हौसला दिया एंड बंदा भाई साहब रेडी हो गया अपने बैटल फॉर्म में जाने के लिए। एंड फाइनली अपना मिराइडोन भाई अपने बैटल फॉर्म में इवॉल्व हो रहा था एंड ये लुकिंग भाई कितनी ज़्यादा ऑसम है भाई देखो तुम ज़रा। एंड फाइनली अपने बैटल फॉर्म में इवॉल्व हो गया। एंड उसके बाद हर तरफ ऐसा एक औरा भाई छिटका भाई प्रोफेसर भी पीछे हट गए। एंड उसके बाद फाइनली भाई साहब ये पोकेमॉन भाई कितना पावरफुल है भाई, उसके रोर से तो इसका रोर भाई खतरनाक ही लग रहा है। एंड जो भी उसके बाद हमारी बैटल इससे शुरू हो गया, मैंने इसे अपने पोकेमॉन को टेरालाइज फॉर्म में लेने की कोशिश की। एंड फाइनली मेरा पोकेमॉन यहाँ से टेरा फॉर्म में इवॉल्व हो गया, विकसित हो गया या ट्रांसफॉर्म बोल सकते हो। एंड भाई ये ड्रैगन टाइप ट्रांसफॉर्म कितना ज़्यादा ऑसम है। एंड फाइनली उसके बाद मैंने इस पोकेमॉन को टेरा ब्लास्ट अटैक यूज़ किया जो कि ड्रैगन टाइप का हो चुका था फिलहाल टेरा ब्लास्ट। एंड फाइनली अपने टेरा को मैंने जब भी ब्लास्ट किया एक ही शॉट में ये फिनिश आउट हो गया फाइनली, दिस इज द ऑसम थिंग। एंड उसके बाद प्रोफेसर का मिराइडोन फाइनली हार चुका था, अब बारी था प्रोफेसर का यहाँ से जाने का। एंड फाइनली प्रोफेसर ऐसे निकल जाते बिकॉज प्रोफेसर रियल वाले प्रोफेसर हो चुके थे, प्रोफेसर का AI सिस्टम का मतलब हाँ जो कि प्रोग्राम था वो ऑफ हो चुका था। एंड फिर प्रोफेसर यहाँ से निकल लिया अपने टाइम मशीन को लेकर, ठीक है प्रोफेसर का AI। एंड फाइनली प्रोफेसर यहाँ से निकल देते हैं एंड सब कुछ ब्लैक होता है। एंड फिर हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से बाहर, बट भाई वीडियो यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है एंड गेम भी ख़त्म नहीं हुई है। हम यहाँ पर आते हैं यहाँ से हमें मास्टर बॉल मिलती है डायरेक्टर के थ्रू। एंड उसके बाद भाई अपने मिराइडोन का मैं भी बैटल के बाहर भी यूज़ कर सकता हूँ, मतलब हाँ राइड के सिवाय बैटल में भी यूज़ कर सकता हूँ अपने मिराइडोन को फिलहाल। एंड फिर मैं आता तो वापस से केव में जहाँ पर प्रोफेसर से हमारी बैटल हुई थी, बिकॉज यहाँ पर और एक पोकेमॉन को मैं कैच करना बाकी था। यस
मतलब हाँ सेकंड मिराइडन अपना यहाँ पर खराब हुआ था, तो भाई उसको क्या सुना तो बाकी था ना अपन का। तो फिर अपन लोग अपने मिराइडन का सफर करके आए, एंड भाई साहब ये पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा ओपी लुकिंग में था, एंड फिर मैं इसके साथ कुछ सेल्फीज भी लेता हूँ, इधर देख भाई चीज़, एंड उसके बाद मैं इसे बैटल भी शुरू कर देता हूँ। एंड फिर क्या था भाई, अपन को बस अपना मास्टर बॉल यूज़ करना था, एंड अपने मास्टर बॉल यूज़ किया एंड मैंने इसको कैच कर लिया, एंड फाइनली उसके बाद भाई अपने पास थे दो दो मिराइडन ना, मज़ेदार बात थी ना। बट गाइस अभी ये वीडियो यहाँ से फिनिश होती है, मतलब हाँ गेम फिनिश हो चुकी है, बट इस वीडियो को बनाने में यार मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। एंड इस वीडियो का वॉइस ओवर बाकी सारे वीडियो से इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज इस वीडियो में वॉइस ओवर करने में मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई ना, मैं क्या बताऊँ, मैं 20 से 30 बार मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर कर चुका हूँ, बट फाइनली जैसे तैसे मैंने इस बार फिनिश आउट किया है। एंड अभी तक मैं इस गेम को कंप्लीट करने में मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम लगा है, बिकॉज ये गेम इतना ज़्यादा बड़ा था ना, क्या ही बताऊँ तुम्हें। बट या काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस गेम को कंप्लीट करने में। बाय द वे तुम नेक्स्ट कौन से गेम का वीडियो देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड या अभी तो मैं चलता हूँ, लेट्स बाय मी टू अगेन गाइस, मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।